राजन पद राजा महाराजाधिराज अखंड भूमंडलाचार्य जगत गुरु गोस्वामी श्री पुरुषोत्तम लाल जी महाराज की, जगत गुरु गोस्वामी श्री गोविंद लाल जी महाराज की, जगत गुरु गोस्वामी श्री दामोदर लाल जी महाराज की, गोस्वामी श्री हरिराय जी महोदय श्री की, गोस्वामी श्री दर्शन कुमार जी प्राण प्यारे की। बोलो वल्लभाधी। सुशीला बेन, सोनल बेन, बरखारिया आकोला, गंगाबाई तापड़िया आकोला, अशोक भाई बियाणी, यथाशीघ्र आ जावे आप। इसी के साथ कथा के मुख्य मनोरथी चिमन भाई फलदू एवं उनका परिवार, श्री वल्लभाधीश की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। Thank you.
स्वागत वंदन अभिनंदन की बेला अब विराम लेती है। प्रिय वैष्णवों, आज हम यहां पर कथामृत रस का, अधरामृत का एवं सुंदर दर्शनों का लाभ ले रहे हैं और इस सब हमें जो ये आनंद की अनुभूति हो रही है इसे कराने वाले हमारे श्री वल्लभ प्रभु, हमारे महान करुणावरुणालय प्रात स्मरणीय वंदनीय गोस्वामी श्री दामोदरलाल जी महाराज, श्री विजय कुमार जी एवं आप दोनों हमारे युवा आचार्य गोस्वामी श्री हरिराय जी महोदय श्री एवं दर्शन कुमार जी महोदय श्री, आपकी हम पर बड़ी अनूठी और अहेतु की कृपा कि हम जो है ये रसास्वादन ले रहे हैं। बंधुओं, प्रकट स्वरूप में आस्था रखना जीव का सर्वोपरि कर्तव्य होता है। प्रकट स्वरूप में आस्था रावण ने नहीं रखी, हिरण्यकश्यप ने नहीं रखी, क्यों कि उनके अंदर आसुरी वृत्तियां थी, इसलिए वो प्रकट स्वरूप को पहचान नहीं सके। इसी प्रकार से कंस भी प्रकट स्वरूप को नहीं पहचान सका, लेकिन हाँ जो भक्त थे उन्होंने अवश्य प्रकट स्वरूप को पहचाना। इसलिए ये प्रकट स्वरूप हमारे मध्य में विराजमान है, ये बोलते ठाकुर हमारे मध्य में विराजमान है, तो हम जो है यहां पर ब्रज यात्रा के निमित्त एकत्रित हुए हैं, कुछ पाने के लिए एकत्रित हुए हैं। वैष्णवों को पोतना करने का मनोरथ ही, वैष्णवों को पूरी ब्रज यात्रा को प्रसाद लिवाने के मनोरथी से मनोरथी हम बन सकते हैं। तपेली महाप्रभु जी की बैठक जी पर होती है, प्रतिदिन महाप्रभु जी की बैठक जी पर तपेली का कार्यक्रम चलता है, तपेली होती है। महाप्रभु जी की बैठक जी पर जो भी वैष्णव मनोरथी बनना चाहे तपेली के, वो अपना नाम कार्यालय में लिखा सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर आचार्य परिवार विराजता है, प्रातःकाल की सायंकाल की तपेली में जो भी अपना योगदान लिखाना चाहें वो कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ गिरिराज जी पर एवं श्री यमुना जी पर कुनवाड़े का मनोरथ होगा। मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था, जो भी वैष्णव कुनवाड़े में से भागी बनना चाहें वो अपना नाम लिखावें, क्यों कि हम यहां पर सेवा करने के निमित्त ही एकत्रित हुए हैं। और यहां तो ये ब्रज भूमि है, यहां पर किया हुआ सत्कर्म कई अक्षय गुणा फल देता है, क्यों कि ये तो गोलोक धाम है, ये वो सांसारिक भूमि नहीं है। इसे तो वरा भगवान जब पृथ्वी को लाए थे उठाकर, तब पद्म पुराण में धरणी वरा संवाद में जब धरती ने जो है वरा भगवान से कहा था कि मुझे कहां पर स्थापित करोगे, तब भगवान ने कहा था कि वो जो गोलोक धाम दिख रहा है मैं उसी पर तुझे स्थापित करूंगा। तो ये वो गोलोक धाम की भूमि है और धरणी वरा संवाद के अंतर्गत ही यमुना जी का महात्म भी जो है पद्म पुराण में आता है,
जैसा गाया गया है कि एनो महात्म छे पदम पुराने रे पृथ्वी पर श्री बालाजी बखाने रे ये तो ब्रजवासी सुख माने रे। तो ऐसे जो है हमारे श्री यमुना जी परम उदार विनती विनती सुनत तुरत सुदलीनी मोपे भय दयाल जगत में श्री यमुना जी परम दयाल। तो ऐसे श्री यमुना जी परम दयाल ऐसे हरिदास वर्य जिनके प्रांगण में हम बैठकर इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, संपूर्ण आचार्य परिवार हमारे मध्य में विराजमान है, नित्य ठाकुर जी के मनोरथ होते हैं, नित्य लीला नित्य नूतन श्रुति न पामे पार और सकल शास्त्र प्रमाण बोले सार माहे सार। तो इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इन सभी सदकार्यों से जुड़े, यही मैं आपसे विनती करता हूँ। इसी के साथ अब आप जो है इस सदकार्य में अपना सहयोग प्रदान करें और भी जो है जैसे हमारा गोविंद कुंज का गोंडल में निर्माण हो रहा है उसमें एक ईंट की सेवा 1500 रुपया है। बंधुओं मात्र एक ईंट देकर भी हम अपना सदकार्य जो है कर सकते हैं, यहाँ पर हम संकल्प ले सकते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक यवन था, उसको जर्दा खाने की आदत थी, उसने जर्दे के लिए चूना निकाला, चूना ज्यादा आ गया, उसने मंदिर की दीवार पे लगा दिया, देव योग से वो यवन मर गया। जब उसका खाता वहां पर देखा कि इसने क्या किया, तो कि इसने मंदिर की दीवार पे चूना लगाया, तो कह रहे कि इसने तो बहुत बड़ा पुण्य का कार्य किया, जाओ इसे स्वर्ग में भेज दो, उसके पूरे अपराध क्षमा हो गए। तो आप यदि मंदिर में अच्छे कार्य से और ज्यादा जो है तन मन धन से यदि आप सेवा करेंगे तो आपको कितना पुण्य लाभ होगा। बुलवल्लभाधीश की स्वस्ति श्रीमद वेद व्यास विष्णु स्वामी मतानुवर्ती विलो मंगलाचार्यार्पित साम्राज्य सिंहासनादि रूढ़ जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य जी की जगतगुरु महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य जी की सोने की छड़ी रूपे की मसाल जरियन के जामा मुतियन की माल ब्रज के अधिपति गोकुल के छत्रपति गो ब्राह्मण प्रतिपाल ने घनी खम्मा घनी खम्मा घनी खम्मा। तो बंधुओं आप इन सभी सदकार्यों में अपनी भागीदारी निभावें और ये हम वैष्णव हैं, ये हमारा कर्तव्य होता है, सेवा करते गुरु आज्ञा बाधनम वा हरिच्छा। तो सेवा के लिए जो गुरु आज्ञा है और गुरु आज्ञा के निमित्त ही हम यहाँ पर सब आए हैं। तो यहाँ पर आने के बाद यदि हम ये सब सदकार्य करते हैं तो ये हमारे बहुत बड़े भाग्य की बात है। इसी के साथ हमारे पूज्यपाद गोस्वामी श्री दामोदर लाल जी महाराज श्री विजय कुमार जी ने इतनी बड़ी कृपा पुष्टि सृष्टि पे की कि विश्व की प्रथम बैठक गोस्वामी श्री पुरुषोत्तम लाल जी महाराज श्री जो कि विश्व वंदनीय आचार्य हमारे पुष्टि मार्ग के जिनका जो है अन्य संप्रदाय के आचार्य भी जो है पुरजोर जो है शब्दों में सम्मान करते थे, ऐसे हमारे प्रात स्मरणीय विश्व वंदनीय गोस्वामी श्री पुरुषोत्तम लाल जी महाराज श्री की विश्व की प्रथम बैठक यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, केवल यहाँ से 150 या 180 किलोमीटर है, मुरैना ग्राम में वहां पर बैठक जी की स्थापना आप श्री के द्वारा बड़ी सुंदर बैठक मंदिर है, वहां पर जो है आप श्री की चरणोपाद का जी विराजती है, वहां पर झारी भरने का भी सौभाग्य वैष्णवों को मिलता है और साथ में ही जो है गोपाल प्रभु श्री जी स्वरूप में वहां पर विराजते हैं।
तो मैं तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जो भी ये यात्री आए हुए हैं, एक बार कम से कम ये लक्ष्य लें कि हम मुरैना में अवश्य जावें। और आपको एक बार वहां पर दर्शन करने के बाद में उतनी असीम शांति और उतना ही सब कुछ मिलेगा जितना कि आप महाप्रभु जी की बैठक में झारी और चरण स्पर्श करने के लिए पधारते हैं। बोलो वल्लभाधीश की। पूज्य आचार्य चरण मंचस्थ हो गए हैं, आपका माल्यार्पण कर स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री चिमन भाई फलदू। आप आए और आपका स्वागत करें, माल्यार्पण कर। अब आप श्री के श्री चरणों में निवेदन करता हूं कृपानाथ कि आप अपनी धीर गंभीर एवं ओजस्वी वाणी के द्वारा इन सभी श्रोताओं को आनंदित एवं प्रफुल्लित करने की कृपा करेंगे। आप ही की तरह खूबसूरत है हर अदा आपकी, आप ही की तरह खूबसूरत है हर अदा आपकी, और इन आंखों ने की है बस इबादत आपकी, इन आंखों ने की है बस इबादत आपकी। बोलो वल्लभाधीश की। गिरिराज धरण की जय। शिवल्लभाधीश की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्याम सुंदर श्यामने महारानी की जय। यहाँ पे श्रीगिरिराज धरण की जय। श्रीवल्लभाधीश की जय। हेलो हेलो हेलो, क्या मॉनिटर में बता रहे हो। श्री भागवत भगवान की जय। इको ज्यादा श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्याम सुंदर श्यामने महारानी की जय। श्री गिरिराज धरण की जय।
श्री वल्लभादीश की जय। श्याम सुंदर श्यामने महारानी की जय। મારી અવાજ બરોબર આવે છે? બરોબર છે, સહી આ રહી આપ સબકો? મેરી અવાજ થોડી કમ લગ રહી યહાં પે, ઓર મોનિટર મેં બઢાઈ
भुवन सृष्टा भुवयोर्वभौ रसमय कृष्णो हि साक्षिकम् रूपं तत् तृतयात्मकं परमभि ध्येयं सदा वल्लभम् यस्यानुकम्पावशतः सुदुर्लभम् मानुष्यमाप्तं परम सर्वार्धदं दीनदयालुमेकं गोपाललालं शरणं गोपाल लाल प्यारे की जय। कन्हैया प्यारो प्यारो री कन्हैया प्यारो प्यारो कन्हैया प्यारो प्यारो री कन्हैया प्यारो प्यारो री कन्हैया प्यारो प्यारो री कन्हैया प्यारो प्यारो कन्हैया प्यारो प्यारो कन्हैया प्यारो प्यारो रे या के नैना प्यारे प्यारे सबको मन या के नैना प्यारे प्यारे सबको मन हर वे याकिने ना प्यारे प्यारे सबको मन हरने वाले याकिने ना प्यारे प्यारे सबके मन हरवे वाले याकिने ना प्यारे प्यारे सबको मन हरने के प्यारी सी है नासिका वापिनक वे सर है प्यारो या की प्यारी सी है नासिका वापिनक वे सर है प्यारो या की प्यारी सी है नासिका वापिनक वे सर है प्यारो रे कन्हैया प्यारो प्यारो 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 रे कन्हैया प्यारो प्यारो कन्हैया प्यारो प्यारो रे कन्हैया प्यारो प्यारो रे Thank you.
राजा के भाल तिलक है प्यारो अलकावली प्यारी प्यारी या के भाल तिलक है प्यारो अलकावली प्यारी प्यारी या के भाल तिलक है प्यारो अलकावली प्यारी प्यारी या के भाल तिलक है प्यारो अलकावली प्यारी प्यारी या के ढोड़ी चिपचिप है प्यारो री कन्हैया प्यारो प्यारो या के ढोड़ी चिपचिप है प्यारी री कन्हैया प्यारो प्यारो रे या के ढोड़ी चिपचिप है प्यारो री कन्हैया प्यारो प्यारो या के ढोड़ी चिपचिप है प्यारी री कन्हैया प्यारो प्यारो रे कन्हैया प्यारो प्यारो कन्हैया प्यारो प्यारो कन्हैया प्यारो प्यारो कन्हैया प्यारो प्यारो रे कन्हैया प्यारो प्यारो कन्हैया प्यारो प्यारो रे कन्हैया प्यारो प्यारो के कंठा प्यारो प्यारो या के हार है प्यारो प्यारो या के कंठा प्यारो प्यारो या को हार है प्यारो प्यारो या के कंठा प्यारो प्यारो या के हार है प्यारो प्यारो या के कंठा प्यारो प्यारो या को हार है प्यारो प्यारो या के गोंदन प्यारी प्यारी रे कन्हैया प्यारो प्यारो या के गोंदन प्यारी प्यारी है कन्हैया प्यारो प्यारो या के गोंदन प्यारी प्यारी रे कन्हैया प्यारो प्यारो या के गोंदन प्यारी कन्हैया प्यारो प्यारो 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 रे कन्हैया प्यारो प्यारो कन्हैया प्यारो प्यारो रे कन्हैया प्यारो प्यारो रे चरण नुपुर जब बाजे मन मेरो होय मत वारो या के चरण नुपुर जब बाजे मन मेरो होय मत वारो या के चरण नुपुर जब बाजे मन मेरो होय मत वारो ये तो बन
जावेरी कन्हैया प्यारो प्यारो रे बंसी मधुर बजावे री कन्हैया प्यारो प्यारो 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 री कन्हैया प्यारो प्यारो री कन्हैया प्यारो प्यारो के कोंधन प्यारे प्यारे है कन्हैया प्यारो प्यारो ये तो बंसी मधुर बजावे री कन्हैया प्यारो प्यारो रे को मन हर खावे री कन्हैया प्यारो प्यारो कन्हैया प्यारो प्यारो री कन्हैया प्यारो प्यारो कन्हैया प्यारो प्यारो री कन्हैया प्यारो प्यारो कन्हैया प्यारो प्यारो कन्हैया प्यारो प्यारो ये तो बंसी मधुर बजावे रे कन्हैया प्यारो प्यारो रे श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय शिवल्लभाधीश की जय हरिदास वर्य
शिगिरिराज जिनकी यह सुंदर पावन तरेटी में हम सब निवास कर रहे हैं, ऐसे भक्त शिरोमणि हरिदासों में श्रेष्ठ ऐसे शिगिरिराज जी के युगल चरणारविंद में कोटानुकोटि दंडवत प्रणाम करूं। एवं जिनके परम अनुग्रह से जिनकी सर्वाध्यक्षता में हम सब ये ब्रजवास कर रहे हैं, ब्रजानंद महोत्सव का आनंद ले रहे हैं, जिनकी कृपा से ये ब्रजवास सुलभ हुआ, ऐसे परम आदरणीय परम श्रद्धेय पूज्य श्री दादाजी, परम आदरणीय ज्येष्ठ भातृचरण, समस्त आचार्य परिवार, सर्व बड़भागी ऐसे मनोरथी परिवार, जिन्होंने यह ब्रजानंद महोत्सव में अपने देवी द्रव्य का विनियोग किया, ऐसे सर्व मनोरथी वैष्णव, अकोला यमुना सखी मंडल काफी उत्साह से पूरे क्षेत्र से विदर्भ अकोला से काफी बड़ा पूरा परिकर जो कहें मंडल कहें वो ये ब्रजानंद महोत्सव का लाभ ले रहा है। सभी अकोला की सेवा भावी श्री यमुना सखी मंडल के वैष्णव वृंद एक बार सभी अकोला के श्याम सुंदर श्याम ने भाग्यवान आप सब वैष्णव वृंद उपस्थित भूदेवगण पुरोहितगण अखंड भूमंडलाचार्य जगद्गुरु महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी श्री आचार्य चरण की कृपा से आप श्री ने जो यह पुष्टि भक्ति मार्ग प्रकट कर जो भक्ति की व्याख्या आपने बताई है, जिस भक्ति की व्याख्या भक्ति सूत्र अंतर्गत नारद जी ने भी की है और आपसे भी आज्ञा करते हैं कि महात्म ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह भक्ति ही। भक्ति किसे कहेंगे, भक्ति का स्वरूप क्या है, तो कि महात्म ज्ञान पूर्वस्तु जिनके हम भक्ति कर रहे हैं उनके बारे में पूरी समझ, महत्व ज्ञान, लीला का ज्ञान, ये जानना परम आवश्यक है, क्योंकि ये महत्व ज्ञान जानने से ही भक्ति सुदृढ़ हो सकती है।
कोई ऐसा कहे कि भाई हमें कहां ये ज्ञान वगैरह जानने की आवश्यकता है, बस प्रेम करो, प्रेम करते जाओ, प्रेम, ऐसा नहीं। महात्म ज्ञान पूर्वस्तु आचार्य जी कह रहे हैं। हाँ, अवतार काल में उस महात्म ज्ञान को नहीं जानो तो भी चलेगा। जैसे ब्रजवासी हम जो ये लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं, भगवान के महात्म ज्ञान को जानते नहीं है, लेकिन फिर भी उनको वो परम फल की प्राप्ति हो गई, क्योंकि वो अवतार काल है। लेकिन वर्तमान समय में हम सब जिस अवस्था, जिस काल में हम जी रहे हैं, इस समय जो हम भी ऐसा सोचें कि हमें भी ये सब जानने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारी गलत मान्यता है, गलत धारणा है। जैसे एक सीधे से एग्जाम्पल मैं आपको दूं, यहां से आज हम कामगन गए, गए ना सब जने, हां के ना, कितने सुंदर दर्शन का लाभ लिया आज, दोनों सुंदर निधि स्वरूप श्री गोकुल चंद्रमा जी, श्री मदन मोहन जी, और फिर उसके बाद कहां गए, विमला देवी, विमल कुंड। और विमल कुंड के बाद गए कहां, गए लिपस्वी शिला। आह वाह, ये ठाकुर जी की ये स्थली, कण कण में आप विराजमान हैं, प्रभु की यहाँ पे बाल लीलाएं हैं, और आज भी आप कर रहे हैं, यानी हम भी जब उस स्थानों में जाते हैं तो हम भी वो बालक बन जाते हैं। ठाकुर जी अपनी मंडली में हमको भी सम्मिलित कर देते हैं, और वहां पे जाकर देखो सब जने क्या लिपसनी, कितना आनंद लिया। फिर तो एक के ऊपर एक, इतनी भीड़, लेकिन यही आनंद है। हाँ, वास्तविक रूप में आप कल्पना करो, आप अकेले दो जने आए और वहां पे लिपसनी कर रहे हो, मजा आएगा, आएगा इतना आनंद नहीं आएगा जितना आनंद, भले जगह नहीं मिल रही है, एक दूसरे को लात पड़ रही है, फिर भी वो आनंद आ रहा है कि नहीं, आप मानते हो कि नहीं इस बात पर, मेरा तो अनुभव हो रहा है। बाकी अकेले अकेले भी यूं विचारे, अरे अकेले आओ, बैठक जी में भी अकेले गए, झारी चरण स्पर्श करके आए, लेकिन यहां पे जो लहरें आती हैं, जैसे यमुना जी की लहरें आती है सीधे अंदर और सीधे धक्के के साथ बाहर। अब वही कल्पना करें, अकेले अकेले आए, एक जने दो जने, लेकिन ये एक अलग प्रकार का आनंद, ये मेरा अनुभव है जो मैं आपसे बता रहा हूं। मैं आपको अब ये लिपसनी शिला, अकेले अकेले लिपसने में बोरियत हो जाए, कंटाला आ जाए, लेकिन यहां में तो बार बार लिपसने की इच्छा हो रही थी। मैंने कहा आगे बढ़ो, दूसरों को भी मौका दो। तो बात मैं कर रहा हूं कि जैसे हम कामवन गए आज, अब कामवन आप गाड़ी में बैठ के यहां से गए, और ये बात सीधी सी है कि सब सो ही गए थे, जल्दी उठ जाते हैं, पूरा दिन निकल जाता है, थोड़ा श्रमित भी हो जाते हैं। ये श्रम वो लौकिक श्रम जैसा नहीं है, ये श्रम का भी एक अलग आनंद है। लेकिन वापस सुबह उठ के अपने आप में एक विशिष्ट ऊर्जा, अब हो सके आप गाड़ी में सो गए, लेकिन फिर भी आप सीधे कामवन पहुंच गए। क्यों? क्योंकि स्टीयरिंग पर आप नहीं थे, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, उसको पता है रास्ता, उसने आपको अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा दिया। लेकिन अब विचार कीजिए, आप ही खुद स्टीयरिंग पे बैठे हो और उसमें आप सो जाओगे तो चलेगा नहीं? और सोने के साथ साथ, ऐसा सोना नहीं, ये तो जरूरी है ही, लेकिन साथ साथ दूसरी बात भी क्या है, साइन सिग्नल या नेविगेशन, या किसी को खड़े रह के पूछ दिया कि भैया कामवन को रास्ता कहां से, एक तो बरसाने होके नहर से सीधो सीधो, एक नंदगांव होके कोई लोग घूम के भी आए, कोई यूं से भी, अलग अलग रास्ता है कितने।
तो कोई को पूछना भी पड़ेगा, साइन बोर्ड अपन को देखने भी पड़ेंगे, और अपन ने साइन बोर्ड नहीं पढ़े तो का भयो, जानो तो काम मन और पहुंच कहीं और जाएंगे, सीधी सी बात है। तो एग्जैक्टली बात यही है, अवतार काल पर उस समय में ड्राइविंग सीट पर भगवान स्वयं बैठे हुए हैं, और जितने भी यात्री के हैं यानी भक्तगण हैं वो पीछे की सीट पर हैं, यानी वो सो जाएंगे तब भी भगवान अपने स्वरूप बल से उनको वहां पे पहुंचा देंगे जो उनकी गति है। लेकिन अभी का जो समय है, हम जो सो गए, क्योंकि अभी स्टेयरिंग पर ड्राइविंग सीट पर हम स्वयं बैठे हुए हैं, आधुनिक भक्त कहे जाते हैं, और हम स्टेयरिंग पर बैठे हुए, स्टेयरिंग हमारे हाथ में, अब हमने राइट लेफ्ट नहीं देखा, साइन वगैरह नहीं देखी, तो फिर हम अपने गंतव्य, कितने ही मेहनत करो, कितने ही चलते जाओ, लेकिन आप नहीं पहुंच पाओगे। तो इसीलिए देखो, यात्रा दोनों की वही के वही है, उस समय इस समय, लेकिन फर्क कितना है, फल भी वही है, फर्क कितना है कि इस बार इस समय में स्टेयरिंग हमारे हाथ में है। तो इसलिए क्या आवश्यक है, हम जिस दिशा में गति कर रहे हैं, जिस भक्ति की यात्रा में हम जा रहे हैं, वो यात्रा सही मार्ग में चल रही है कि नहीं, उसकी समझ किसको होनी चाहिए, जो सीट पर बैठा है उसको, पीछे वाले को आवश्यकता नहीं है। इसलिए भक्ति मार्ग में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, महात्म ज्ञान, यानी आप जो भक्ति कर रहे हो उसकी पूरी समझ आपको है या नहीं, सही दिशा में आपकी भक्ति हो रही है या नहीं। क्योंकि कई बार होता है भक्ति धर्म कई बार हमको परंपरा से भी मिलते हैं, मेरी सास करते आए, मेरे पिताजी करते आए, मेरे दादाजी करते आए, हमारे यहां से चला आ रहा है, तो कई बार ये धर्म ये परंपराओं में भी हमें प्राप्त हो जाता है, लेकिन हमें इस बात का विचार करना होगा कि वो परंपरा में सिद्धांत है या नहीं, वो सही दिशा में है या नहीं, वो समझ हमको होनी चाहिए। जैसे परंपरा से इंद्र याग हो रहा था, वो उसी प्रकार से हमारी भक्ति सही दिशा में है या नहीं, हम जिस संप्रदाय में दीक्षित हुए उस संप्रदाय में हम सही प्रकार से चल रहे हैं या नहीं, उसकी समझ हमारे अंदर होनी चाहिए। और वो समझ कब आएगी, महात्म ज्ञान पूर्वस्तु, महात्म ज्ञान जब प्रभु के लीला का ज्ञान हमें प्राप्त होगा, प्रभु का प्रागट्य का प्रयोजन क्या है, क्यों आप अवतरित होते हैं, क्यों इसी प्रकार की लीलाएं करते हैं, इस समय हमें हमारी भक्ति की यात्रा को सुदृढ़ बनाते हुए उनको प्रकट भी करना है, और वो प्रकट बने हुए रहें ये भी हमें सावधानी रखनी होगी। तो थोड़ी जिम्मेदारी हमारी ज्यादा है। तो ये भगवद कथा प्रियजनों, ठाकुर जी की ये जो लीलाएं, हरेक लीला के पीछे, 10 दिवस भी हमने इस विषय पे चर्चा की थी कि एक एक लीला के पीछे ठाकुर जी का एक एक कुछ भाव रहा हुआ है, और जब हम इन लीलाओं का श्रवण करते हैं, उन लीलाओं के पीछे रहे हुए रहस्यों को जब जानने का प्रयास करते हैं, समझते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारी भक्ति की यात्रा सही दिशा में चलेगी, हम भी सावधान हो जाएंगे। इसलिए कहा ना, सुनूं कथा सादर मन लागे, कथा को केवल कान से नहीं सुनना, कथा को ध्यान से सुनना। केवल कान से सुना तो कान पवित्र हुए, लेकिन ध्यान से सुना तो मन भी पवित्र हुआ। श्रोत्र मनो भी रामार, केवल सुनो तो उससे श्रवण इंद्रिय पवित्र हुई, लेकिन अर्थ के साथ जो उसको समझा आपने तो उसे आपका मन भी पवित्र होगा। इसलिए ये कथा हमारी श्रोत्रेंद्रिय, हमारी मनेंद्रिय को पवित्र करने वाली, ऐसी ऐसी कृष्ण कथा अमृत, ऐसी ऐसी कृष्ण लीला। आइए हमारे तन मन को पवित्र करने वाली ऐसी कृष्ण चरित्र इन कथा का हम श्रवण करें, लीलाओं का चिंतन करें। श्री आचार्य चरण कारिका में आज्ञा करते हैं,
नामान्यग्रे शोधकानि ततो रूपाण्यनेकेश नामान्यग्रे शोधकानि ततो रूपाण्यनेकेश ज्ञानं भक्तिश्च भाग्यं च पञ्चार्था सर्वशोधकाः। आप श्री आज्ञा कर रहे हैं कि अब आगे अंतःकरण शुद्ध करने वाले जो पांच पदार्थ हैं उसका यहां पे निरूपण किया गया है। पांच प्रकार, पांच पदार्थ अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए हैं। इसके लिए पांच लीलाओं का यहां पे वर्णन है। आगे सबसे पहले नाम लीला, जिसका हमने कल श्रवण किया। प्रभु का नाम मंत्रात्मक है, कृष्ण कर्षयति इति कृष्णः। कृषिर्भाववाचकः शब्दणश्च निवृत्तिवाचकः तयोरेक्यं परब्रह्म इत्यवि कृष्ण इत्यभिधीयते। कृष्ण शब्द का अर्थ विचार किया जाए तो कृष्ण शब्द का अर्थ होता है कृष्ण यानी सत्तावाचक है, न अक्षर आनंदवाचक यानी आनंद पर जिसकी सत्ता है वह कृष्ण। और ये नाम मंत्रात्मक है, ध्यान दीजिए। हम सबके नाम मंत्रात्मक नहीं कहे जाते, हम सबके नाम केवल संकेतात्मक हैं, केवल पुकारने के अर्थ में। किसी का आनंदी नाम हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सदा आनंद में ही रहती हो, ऐसा है। हम सबके नाम केवल संकेतात्मक पुकारने जितने, लेकिन ठाकुर जी का नाम संकेतात्मक नहीं है, मंत्रात्मक है। ये महामंत्र है जो गुरु के द्वारा अष्टाक्षर के रूप में जो हमें मिलता है और वह मंत्र फिर फलित होता है। और यह परंपरा है, यह सिद्धांत है कि मंत्र का जो स्मरण है वो गुरु शिष्य को करा सकता है। शिष्य की यह योग्यता नहीं है कि वो गुरु को मंत्र का स्मरण कराए। इसीलिए हम अपने गुरुजनों को, वल्लभ वंशजों को, आचार्य बालकों को क्या कहते हैं? जय जय श्री दंडवत प्रणाम, जय जय श्री जय श्री कृष्ण नहीं करते। कई बार कई लोगों को ये प्रश्न होता है कि क्यों जय श्री कृष्ण, उसमें क्या आपत्ति? कोई बात नहीं है, लेकिन जय भगवत नाम ही है, लेकिन मर्यादा का भंग हो जाता है। अब देखिए, कृष्ण नाम मंत्रात्मक और मंत्र का स्मरण गुरु शिष्य को करा सके। गुरु में वो सामर्थ्य है, शिष्य में सामर्थ्य नहीं है कि गुरु को स्मरण कराए। और आप जब भगवत स्मरण जय श्री कृष्ण किसी को कहते हैं तो आप ये भी साथ में आशा रखते हैं कि वो भी हमको जय श्री कृष्ण कहे, ठीक है। और जब आपने गुरुजनों को, बड़े जो हमारे आदरणीय हैं, वल्लभ वंशज हैं, उनको आप जय श्री कृष्ण करते हो और वो भी आपको जय श्री कृष्ण करे, तो मर्यादा का उल्लंघन हुआ कि नहीं? बोलो हाँ के ना, सीधी सी बात है। इसलिए क्या कहते हैं? जय जय श्री दंडवत प्रणाम। ये शिष्य के लक्षण हैं कि जब एक तो पहले गुरु के सन्मुख समय समय पे उपस्थित होना, जब उपस्थित हो तो बड़े बड़े आदर के साथ खड़े रहना, प्रमाद से खड़े नहीं रहना चाहिए जेब में हाथ डाल के, अब मैंने ऐसा कर रहा हूं, ऐसे ऐसे नहीं, बड़े विवेक शिष्टाचार, ये बहुत आवश्यक है। पुष्टि मार्ग में तो ये बड़ी बारीकियां हैं। हमारा मार्ग बहुत ही एजुकेटेड है, शिष्टाचार। आप देखो हर एक शब्द के पीछे मुखिया जी, झारी जी, बंटा जी, गादी जी, तकिया जी, है ना। तो कई बार भाव में आके बटेका जी, आलू का जी ऐसा भी बोल देते हैं, अमुक को नहीं समझ सकते, लेकिन अमुक शब्दों में मानवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी जब गुरु के सन्मुख हो तो बड़े आदर और सावधानी के सन्मुख खड़े होना चाहिए। हमारे पैर नहीं दिखने चाहिए, पांव के ऊपर पांव चढ़ा के नहीं बैठना चाहिए। ये तो
सबकी हमारी सबकी थोड़ी दिक्कत परेशानी है कि मजबूरी, बाकी मैं जानता हूँ आप सब कोई ऊपर बैठना नहीं चाहता, लेकिन उसमें कोई आपत्ति भी नहीं है। लेकिन बात यह है कि जब सन्मुख में हो, सामने खड़े हो, तो सावधानी, हाथ यूं जोड़े हुए होने चाहिए। बोलते समय भी आप हाथ रखते हैं कि कहीं थूक ना उड़ जाए, उनको धक्का ना लग जाए। पर ब्रज में तो अलग ही बात है, ब्रज में तो धक्का लगे नहीं तब तक चले ही नहीं काम, यहां तो बहुत धक्के लगते हैं। ये ब्रज एक अलग से है, इसके बाहर की बात है, यहां तो सब छूट है। ब्रज में तो खेलन में को काको घुसाई, यहां तो ब्रज में तो नित्य खेल है, नित्य लीला है। लेकिन ये एक में अलग मैं बात कर रहा हूं, जो एक नित्य होनी चाहिए सावधानी, ये समझ तो होनी चाहिए ना। ब्रज में तो अलग बात है, पुष्टि लीला है। तो सावधानी के साथ खड़े रहना, सत्य वचन में प्रश्न करना, जब सन्मुख होवे तो पंचांग दंडवत करना चाहिए, क्रिया से भी करना चाहिए और वाणी से भी करना चाहिए। पुरुष होते हैं वो साष्टांग दंडवत करते हैं, महिला वृंद पंचांग दंडवत करती है। दंडवत से दैन्यता आती है, ठाकुर जी के आगे हम दंडवत करते हैं, गुरु के आगे हम दंडवत करते हैं कि जिससे दैन्य भाव आता है। श्री आचार्य जी ने सुबोधनी के अंतर्गत ही इस प्रकार के उत्तम शिष्य के अलग अलग लक्षण बताए हैं। तो ये सावधानी ये परम आवश्यक है, इसीलिए उसी सावधानी के अंतर्गत हम जब गुरु के सन्मुख होते हैं तो जय जय श्री दंडवत प्रणाम, क्योंकि कृष्ण नाम मंत्रात्मक है, इसलिए जितना हो सके इसका नाम स्मरण करते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान के नाम उससे अंतकरण की शुद्धि होती है। नाम लीला के बाद रूप लीला का वर्णन किया गया, भगवान के अनेक प्रकार के रूप, भगवान के रूप प्रभु के दर्शन आदि से इंद्रियों की शुद्धि होती है, और शुद्ध हुई इंद्रियां भगवत स्वरूप एवं भगवत लीलाओं में आसक्त हो जाती हैं। इसलिए नाम लीला के बाद आगे रूप लीला का वर्णन है। जब हम रूप लीला ठाकुर जी के स्वरूप का चिंतन करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी इंद्रियां शुद्ध होंगी। तो उसमें रूप लीला का वर्णन किया गया, इसके पश्चात ज्ञान लीला का वर्णन है। यह ज्ञान लीला देहाध्यास को नाश कर देह को शुद्ध करता है और स्वस्वरूप का यथार्थ बोध करवाता है। इसके लिए श्याचार्य चरण कह रहे हैं ज्ञान लीला का आगे वर्णन किया गया। चतुर्थ लीला इसके पश्चात भक्ति लीला है। भक्ति द्वारा ही देह प्राण और इंद्रियों से प्रेम एवं आसक्ति हटकर वह प्रेम आसक्ति भगवान में हो जाती है। प्रेम भक्ति के द्वारा ही देह प्राण और इंद्रियों से प्रेम एवं आसक्ति हटकर, जब अत्यंत स्नेह प्रेम हो जाता है तो त्याग स्वतः अपने आप हो जाता है। जैसे किसी माता को यह कहना नहीं पड़ता कि उसके बालक को कैसे तू कपड़े पहना, वो माता का प्रेम उसको सिखा देता है कि मैं अपने बालक को ऐसे वस्त्र पहनाऊं तो उसको अच्छा लगेगा, उसको अच्छी नींद आएगी। दूध पे जो अवलंबित है वो माँ को किसी को कहने उसको समझाने की जरूरत नहीं है, वो खुद अपने आप उसका प्रेम उसको समझा देता है और जैसा तैसा खाने पीने से उसको मजबूर करता है कि मैं ये छोड़ दूं, क्योंकि मैं ऐसा कुछ खाऊंगी तो उससे मेरे बच्चे को अच्छा नहीं रहेगा, उसका स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाएगा। तो वो प्रेम चीजें सिखा देता है, अपने आप त्याग हो जाता है। तो भक्ति चरित्र द्वारा ही, भक्ति के द्वारा ही देह प्राण इंद्रियों से प्रेम आसक्ति हटकर वह आसक्ति भगवान में हो जाती है, इसलिए भक्ति लीला का वर्णन है। और इसके पश्चात भाग्य लीला। देखिए पूर्व जन्म के किए हुए कर्म ये सबके मूल हैं, अतः यदि पूर्व जन्म में सुकर्म किए हैं, हमारे द्वारा कुछ अच्छे सत्कर्म हैं, तो भाग्य शुद्ध होने से आत्मा भी शुद्ध होती है, और जिसके चलते वर्तमान में जो जीव
उसके अंतर्गत शुभ विचार एवं शुभ कार्य उसकी रुचि उसमें बढ़ जाती है। तो भी वह भाग्य तो फलीभूत तब ही होता है जब इस जन्म में गुरु की कृपा हो, और गुरु कृपा बिना, ईश्वर की कृपा बिना यह संभव नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे पांचवी ये भाग्य लीला का वर्णन किया गया है। कल हमने नाम लीला के दर्शन किए, आइए आगे लीला के क्रम में प्रभु के रूप लीला के हम दर्शन करते हैं। और यह रूप लीला के अंतर्गत प्रभु की रिंगण लीला का वर्णन किया गया है, और उस रिंगण लीला के अंतर्गत प्रभु के भिन्न भिन्न प्रकार के स्वरूपों का वर्णन श्री सुखदेव जी ने किया है। कालेन व्रजता तेन गोकुले राम केशवो जानुभ्यां सह पाणिभ्यां लिंगमाणो विजहतु। कालेन व्रजता तेन गोकुले राम केशवो। सुखदेव जी कहते हैं राजन, अब कुछ ही दिनों में बलराम और केशव दोनों हाथ एवं घुटनों से बकैया लेते हुए रेंगते हुए चलने लगे, घुटमन चलने लगे। अब ठाकुर जी मैया के भाव के चलते घुटमन चल रहे हैं, क्योंकि मैया के अंदर भी ये भाव, कब मेरो मोहन चले गो घुटवन, तब हो करूंगी बधाई सर्वस्व वार देऊंगी तब, जब मैया के वो तो तराई कब मेरो मोहन चले वो घुटरुआ। तो मैया के भाव के चलते प्रभु अब घुटमन चलनो आपने प्रारंभ कर दिया, रेंगते हुए आंगन में आप खेल रहे हैं। श्री महाप्रभु जी ने कारिका के अंतर्गत बड़ी अद्भुत व्याख्या करी। यहां पे जो श्री सुखदेव जी राम केशवो हो जो शब्द का प्रयोग किया है, श्री आचार्य जी ने भगवान के केशव नाम की अनेक व्याख्या सुबोधि जी में की। आप श्री आज्ञा कर रहे हैं, प्रशस्ता प्रशस्ता केशाः यस्य स केशवः। केशव यानी कौन, कि जिनके केश अति सुंदर हैं वह केशव, अथवा तो कश्च अश्च इशश्च इति केशाः तान वयते प्रशासति इति केशवः। अर्थात जो तीनों देवताओं के प्रशासक हैं उनका नाम केशव है, अथवा तो मुस्कुराते समय जिनके मुख से किरण प्रकट होती है उनका नाम केशव है। और एक विशिष्ट व्याख्या आप केशव शब्द की बता रहे हैं, केशान वयते प्रशासति राधयाः इति केशवः। जो निकुंज में श्री राधा के केश को एक हाथ से उठाकर दूसरे हाथ में लेकर गूंथते हैं उनका नाम है केशव। अर्थात जो राधा जी की वेणी को गूंथते हैं वो है केशव। इस प्रकार श्री आचार्य चरण ने एक ही शब्द से भगवान के महात्मा का बोध करवा दिया। घुटमन चलते हुए भगवान के चरणों में बजने वाले सुंदर नुपुर आपके धराए हुए हैं, हाथों में सुंदर कड़े हैं, भुजाओं में सुंदर बाजूबंद धराया हुआ है, कंठ में दुलड़ी आदि से प्रभु के सुंदर श्रृंगार श्री यशोदा जी ने किए। प्रभु का स्वरूप कैसा है, सुंदर विशाल नेत्र हैं, घुंघराले सुंदर केश, उनमें मोतियों की लटकन और सुंदर मोर पिच श्री यशोदा जी ने धराया है, और रिंगल लीला करते हुए पूरे नंदालय में विहार कर रहे हैं, जिसका वर्णन हमारे भगवदीय भी करते हैं। धूरी परे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी खेलत खात फिरे अंगना पग पे जगि बाजति पीठ छोटी या छवि को रस खान विलोकत वारत काम कला निधि को। घुटमन चल रहे थे, रिंगन लीला कर रहे थे, वहीं पे क्या देख रहे हैं, काग के भाग कहा सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। प्रभु का अजरामृत वह काग
टांग भूषण जी प्रभु के वो अग्रामृत की लालसा कर रहे हैं। ऐसा सुंदर स्वरूप घुटमन चलते हुए पूरे नंदालय में जब आप घुमरण करते हैं छम 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 पूरा नंदालय वह नुपुर की ध्वनि से इतना आनंदमय बन जाता है। और श्री यशोदा जी लालन को नुपुर भी धरावन तो वहां में भी छम छम ज्यादा बजे ऐसे क्योंकि जाने चंचल पड़ो है। और घुटमन चलवे वालों बालक एक जगह पे ज्यादा बैठे नहीं यहां से वहां वहां से वहां वहां से वहां तो काम और भी हो तो पता तो चले ना कहां निकल गए। घुटमन चलते चलते ये तो सीधे बाहर सुखदेव जी वर्णन करते हैं तावाग्रियुग्म मन कृष्य सरेषु पन्त्यो घोष प्रदोष रुचिरं व्रज कर्दमेषु तन्नादहश्च मनसावन सत्य लोकम मुक्त प्रवीत मधुपेय तुरन्ति मात्रो। दोनों भाई अपने नन्हे नन्हे पांव के गोकुल में कीचड़ में घसीटते हुए चल रहे हैं। दोनों के पांव में और कमर में घुंघरू बजने लगे और वो ध्वनि को सुनते हुए आपस में एक दूसरे हर्षित हो रहे हैं। जैसे घुटमन चले नुपुर बजे वहीं केशव कन्हैया कहते हैं दादा देखो यू पांव में यू हाथ तो छम छम कैसे आनंद आ रहा है। तो नुपुर की ध्वनि का आप दोनों आनंद ले रहे हैं। घुटमन चलते चलते सीधे बाहर बाहर गए तो एक लंबी लंबी चलते उनके पीछे ऐसे तेज बाबा बाबा करते पीछे पीछे वो वाको आवाज सुनाई दी वाको ने पीछे मुड़ के देखो तो वो दोनों बालक ऐसे प्यारे प्यारे वाको भी लाड आयो तो गोदी में लेवे के लिए आगे आयो तो वहां पे देखो अरे ये तो बाबा नहीं है तुरंत वापिस भागे पीछे घबरा के वापिस वापिस नंदालय में सीधे यशोदा जी के पास। जैसे बालक डर जाए तो सीधे मैया के पास पहुंच जाए तो ऐसे घबराते हुए घुटमन चलते चलते वापिस यशोदा जी के पास आए। यशोदा जी खड़ी हुई है और सामने से दोनों बालक घुटमन चलते चलते आ रहे हैं। उनको देखकर ऐसे आनंदित प्रफुल्लित तो यशोदा मैया हो जाए ऐसो वात्सल्य रस उनके हृदय में प्रकट हो जाए और वह रस उनके स्तनों में से दूध बनकर प्रवाहित होने लगे। सीधे आकर अपनी गोदी में ले लियो और गोदी में लेकर गोदी में सुलायो तन्मान्तरो निज सुतो गृणया कृवन्तो पंकांग राग रुचिराग उपगृह्य दुर्भ्यां दत्वा स्तनं प्रपिबतो स्म मुखं निरीक्ष्य मुक्तस्मितापदशनं ययतु प्रमोदम्। देखो ये दूसरो स्वरूप है भूमि पर गति करवे वालों स्वरूप। जब वो दोनों बालक कीचड़ को अंगराग लगाकर गति करते जब यशोदा मैया के पास आए यशोदा मैया ने गोदी में लिटायो और अब दुग्ध पान कराए लगे अपने ऊपर को जो पल्ला साड़ी वाको ढाकी दुग्ध पान करा रहे हैं वहीं पे अपने छोटे छोटे चरणारविंद से लालन का कर लात मार के वो पल्लू को हटा दें और फिर मैया को मोड़ो देखे मुंह देखे और फिर हंसते जाएं। दत्वा स्तनम अब ठाकुर जी को दूध की दतियां आ गई। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं ऐसी छोटी छोटी दो दूध की दतियां जब ठाकुर जी हंसे तो वो दूध के दांत दिखाई दे यशोदा जी को नहीं इतनो लाड़ आवे यशोदा जी को इतनो प्यार आवे अरे इतनो प्यारो प्यारो मत हंसो कोई की तो कोई नजर लग जाए ऐसी बातें करे वास फिर वापिस ढाक के दूध पी आवे लग जाए फिर वो लात मारे फिर हंसे फिर श्री यशोदा जी को आप ले रहे हैं। कभी कभार तो रिंगन लीला करते समय सीधे आप गौशाला में पहुंच जाए। भागवत में वर्णन है वत्से रितस तथा उपवान कृष्ण मानो घुटमन चलते चलते सीधे गौशाला में आ जाए और गाय के पूछ पकड़े और फिर बछड़ा घबरा जाए और फिर वो बछड़ा यहां से वहां भागे बछड़ा की पूछ आपने पकड़ी हुई तो वो बछड़ा के साथ आप भी यहां से वहां घसीटते जाए। तो श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं श्री महाप्रभु जी बता रहे हैं कि ये रिंगन लीला करवे वालों स्वरूप
सर्प के जैसे घिसने वालों ये स्वरूप, यहां से वहां, वहां से यहां। फिर यशोदा जी जाए लालन को भविष्य देखे कि ये बहुत ही उधम करते रहे। फिर यशोदा जी वो बालक को गोद में लेके ज्यादातर समय अपनी गोद में लेकर बैठे रहे। आप दर्शन करो नंदालय में सुंदर श्री यशोदा मैया, लाल वस्त्र धराए हुए सुंदर श्रृंगार, ऐसी शोभा यशोदा मैया की, और वह यशोदा मैया की गोद में सुंदर सांवले सलोने, ऐसे सुंदर अद्भुत तमद्भुतम बालकम मुझे क्षणम, ऐसे अद्भुत बालक आपकी गोद में विराजमान है, ऐसे अलौकिक कांति आपके श्री ग्रह में से प्रकाश प्रकट हो, तेजो वारी ऐसो अद्भुत तेज आपके स्वरूप को। श्री महाप्रभु जी श्री गोसाई जी अपन को समझा रहे हैं कि आप वैष्णव अपने घर में जो ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो है, वो स्वरूप कौन सो है, तो कि ये वही स्वरूप है कि जानितम परवम तत्वम यशोदोत्संग लालितम, यशोदा जी के उत्संग में गोद में विराजो भयो, ये स्वरूप जो है यशोदा जी के प्राणाधार, वही आपके घर में श्री वल्लभ की कृपा से विराज रहे हो, ये वही स्वरूप है। यशोदा मैया देखे कि या को अकेलो छोड़ूंगी तो कभी यहां भागेगो तो कभी यहां भागेगो, तो सब काम को छोड़कर और फिर यशोदा मैया लालन को अपनी गोद में लेकर, क्योंकि कभी तो ये नख वाले जहां पशु आते हो वहां पे चले जाएं, कभी तो ये नंद बाबा के जो पूर्वजन की जो तलवार रखी हुई थी वो तलवार उठावे को प्रयास कर, कोई भी चीज मुढ़े डालवे को प्रयास कर, ग्रहियाणि कर्तुमपि यत्र न तजन्नन्यो शेकात् आपदुर्लम् मनोसोनवस्थाम्। बालक की ऐसी चित्तवृत्ति को देखकर यशोदा जी अत्यंत व्याकुल रहे, और फिर मैया का कहे गोद में बिठावे, और मैया कहे लाला बाहर मत जा, बाहर नहीं जानो, बाहर हाउ 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 डरावे कि ये कुटुमन चलते चलते बाहर नहीं निकल जाए, जैसे हाउ हाउ करे लालन रोवे लग जाए, घबरा जाए, अरे रो मत अकेलो मत जा, मैं तुमको ले जाऊंगा। आज भी अपने यहाँ पे देखें श्रीनाथ जी के अपन दर्शन करें, शिव जी द्वार जावे, वहां पे जो सिंह पोल है वहां को यही भाव है, बाल लीला को भाव है कि ये बालक है कहीं बाहर भी निकल जाए तो हाउ हाउ करके डरावना। धीरे धीरे दोनों बालक गाय की बछिया की पूंछ पकड़ के अब खड़े हो गए को प्रयास कर, गौशाला में जावे फिर पूंछ पकड़े, पूंछ पकड़ को खड़े हो गए, तो गोपी जन देखती हुए पूंछ पकड़े खड़े हो जाए फिर वापस गिर जाए फिर खड़े हो जाए, ये लीला के दर्शन गोपी जन करके मन ही मन हर्षित हो रही है कि देखो अब धीरे धीरे ये खड़े हुए को प्रयास कर रहे हैं, चलवे को प्रयास कर रहे हैं। काले नाल बेन राजर्षे राम कृष्णश्च गोकुले अग्रष्ट जानुवे पदवी विचक्रम तुरज्जसा। सुखदेव जी कहते हैं राजन अब दोनों ही राम और श्री कृष्ण गोकुल में घुटना घिसे बिना अनायास ही पैरों से आप चलने लगे, पैरों से आप चलने लगे, अब चलवे लग गए तो फिर धीरे धीरे आपकी लीलाएं भी बढ़वे लगे, अनेक प्रकार के कौतुक करवे लग गए। सबसे पहले कौतुक आपने अपने घर में कियो, अपने घर में ही अब चोरी करवे लग गए माखन चोर, एक दिन प्रभु अपने सूने घर में स्वयं ही माखन चुरावे लगे, माखन चोरी कर रहे थे वही समय आपकी दृष्टि मणि के खंभा पे गई, और वो मणि के खंभा पे क्या देखो आपने, आपको अपनों ही प्रतिबिंब दिखाई दिए, माखन चोरी कर रहे हैं माखन मुंह में डाल रहे हैं हस्त से प्रतिबिंब सामने दिखाई दियो, तो वो प्रतिबिंब देखकर अचानक से डर गए, और डर गए और कहवे लगे अरे भैया ये बात तू मैया से मत कहियो, तू को चाहिए तो तेरो हिस्सा तू ले ले, तेरो हिस्सा मुख को स्वीकार है, और अब हाथ में माखन लेके वो जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहे खंभ है ले खा, तो माखन माखन खुद के ही प्रतिबिंब को आप खवा रहे हैं। माता यशोदा आप यह लालन की जो तोतरी भाषा है, जो अपने प्रतिबिंब को देखकर आप बात कर रहे हैं, वो तोतरी भाषा को आप सुन रही हैं, और वो बातें को सुनकर आपको बड़ो आश्चर्य हो गए। वे घर में पधारी, भीतर यशोदा जी को देखते ही श्री कृष्ण ने अपने प्रतिबिंब को देखकर सीधी बात बदल दी,
मैया को कहवे लगे, देख मैया, देख ये कौन आयो है। और लोभवश माखन चुराए के लिए अपने घर में घुस आयो है। मैं मना कर रहा हूं तो भी ये मान नहीं रहो। मैंने आपको बड़ो समझाया, मैं यहां पे क्रोध करके आपको समझा रहा हूं तो ये भी मेरे से सामने से क्रोध कर रहा है। का करूं मैया, तू ज्यादा कुछ सोचियो मत। मेरे मन में माखन को तनिक भी लोभ नहीं है। प्रभु की ऐसी सुंदर भाषा सुनकर यशोदा मैया प्रभु के वात्सल्य रस में मग्न हो जाती। एक दिन की बात है, यशोदा मैया कहीं घर से बाहर पधारी तो ये लालन माता के घर के जाहर बाहर जावे के चलते ही सीधे माखन चोरी करवे लगे। मटका में हाथ डाले और हाथ डालकर माखन चोरी करवे लगे। अब इतने में ही का भयो, माखन चोरी करते समय देववश यशोदा जी वापिस लौट कर आ गए। यशोदा जी वापस लौट कर आई, देखो तो क्या कर रहे हैं कृष्ण, मटकी में हाथ है और माखन आप आरोप रहे हैं। यशोदा जी लालन को देख रही है, लालन ने भी मैया को देखे, देख के ही लालन ने एकदम घबराए और कहवे लगे, अरे मैया ये तूने मेरे हाथ में कैसो कंकण ये पहनायो है कि या कंकण में ये जो पद्मराग जो जड़ो भयो है और ये पद्मराग या की लपट से मेरो हाथ पूरो जल रहे है, तो मैं अपने हाथ को शीतलता प्रदान करने के लिए ये मटका में माखन के मटका में मैंने हाथ डालो है, तू अन्यथा मत सोचियो। यशोदा मैया को लालन समझावे लगे, लेकिन मैया तो सब जान रही है यह बाल लीला को। यशोदा मैया आनंद ले रही है, तो घर में नाना प्रकार के यशोदा जी के मन को आप आकर्षण कर रही है। धीरे धीरे ये लीलाएं और बढ़ने लगी। अब तो घर से बाहर आप पधारने लगे। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, ततस्तु भगवान कृष्णो वयस्यै व्रजबालकै सह रामो व्रजस्त्रीणां च क्रीडे जनयन्मुदम्। अब श्री कृष्ण और बलराम अपने ग्वाल वालों के साथ अपने उम्र के और उनसे भी जो बड़े उम्र वाले थे उनको सबको साथ में लेकर ब्रज में खेलवे के लिए पधारवे लग गए और अपनी ग्वाल मंडली तैयार करी और ग्वाल मंडली तैयार करके घर घर में जाकर आप माखन चोरी करवे लगे। ये प्रभु की धूर्त लीला है। गोकुल में गली गली में घूम के घर घर में जाके माखन चोरी करें। अब चोरी होवे तो हल्ला तो मचे कोई। सभी गोपीजन एक दिन की बात सीधे यशोदा जी के घर में आ गई बाकु उलाना देवे के लिए। नंदालय के बाहर कई गोपियां आके खड़ी हैं। अरे ओ यशोदा रानी जरा बाहर आइयो, क्योंकि का भयो तुम अंदर आ जाओ, कौन है? अरे मैं एक दो नहीं, हम बहुत सारी हैं, तो को उलाना देवे के लिए आई है। यशोदा जी बाहर आई, कहवे लग गई, अरे तुम काहे को उलाना देवे के लिए आई, मैंने तो तुम्हारो कुछ बिगाड़ो नहीं। तेने नहीं बिगाड़ो, तेरे छोरा ने बिगाड़ो। केसो तूने छोरा जन्यो है, चोर है? अरे का बोल रही है, मेरे लाला को चोर कह रही, अरे और का करूं। दूसरी गोपी कहवे लगे, तो को पता है तेरो लाला का करे? वत्सानुञ्चन कचिद समये क्रोश संजातहासः स्तेयं स्वाद तथ्य तदिपयः कल्पितैस्ते योगै मर्तान् भोक्षान् विभजति सह चेन्नाति भाण्डं विनन्ति द्रव्यालावे संग्रही कृपितौ यात्तु पंक्त्योश्च शोकान्। वत्सान मुंचन कचिद समये क्रोश संजातहासः। देखिए ऐसे आचार्य जी कार्य का अंतर्गत समझा रहे हैं कि ठाकुर जी ये घर घर में पधार कर ये जो धूर्त लीला कर रहे हैं, धाष्ट लीला कर रहे हैं, वाको हेतु क्या है कि दो प्रकार की जो गोपी हैं जिनको निरोध सिद्ध करवाना परम आवश्यक है। एक है यास्तु सर्वथा प्राकृतः स्वभावः, अर्थात जो गोपी प्राकृत स्वभाव वाली है, जो घर संसार में फंसी हुई है, ऐसी गोपी को निरोध सिद्ध करावे के लिए आप स्वयं वाके घर में जाके माखन चोरी करते प्राकृत स्वभाव।
और दूसरी कौन सी गोपी, तो आपसी आज्ञा कर रहे हैं यास्तु लौकिक वाक्य परिनिष्ठिता। देखो कछु गोपी ऐसी हैं कि जो नंदालय में आनो चाहे लालन को खिलाए के लिए, क्योंकि उनके अंदर एक विशिष्ट प्रकार का भाव है, लेकिन लोग को लाज बीच में आ जाए, रोज रोज में जाऊं तो वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, ये ऐसा बोलेगा, वो ऐसा बोलेगा, रोज रोज, एक दिन दो दिन चार दिन, रोज रोज। तो जो कुछ लोक लाज के चलते जो नंदालय में पहुंच नहीं पा रही हैं, ऐसी गोपी को निरोध सिद्ध कराए के लिए, क्योंकि डर रही हैं, लोक लाज बीच में आ रही है। वास्तव में प्रियजनों, जो शुद्ध प्रेम भक्ति मार्ग में जो चलता है वो कभी भी लोक लाज से डरता नहीं है। कोवु निंदो कोवु वंदो हो चरण कमल लपटानी, जिसको जो कहना है वो कहता रहे। कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम भक्ति करते हैं, अध्यात्म में आगे चलते हैं, तो खुल के स्वीकार करो कि हाँ कंठी पहनने में शर्म आ जाती है, तिलक मुद्रा धारण करने में शर्म आ जाती है। कहेंगे अरे बड़े भक्त हो गए, बड़े भक्त हो गए। अरे तुम जब भक्ति मार्ग में चल रहे हो, जिसको जो कहना है सो कहे, उससे क्या फर्क पड़ता है। हमें हमारी निष्ठा, धर्म निष्ठा को निभाने के लिए किसी के सुझाव या किसी की प्रसन्नता, उसका विचार थोड़ी करना है। हम भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं, प्रेम मार्ग पे चल रहे हैं, तो कोवु निंदो कोवु वंदो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो लोक लाज के चलते जो गोपियां पहुंच नहीं पाती, उन भक्तों का निरोध सिद्ध करने के लिए आप माखन चोरी कर रहे हैं। देखो वत्सों को छोड़ना, वत्सान मुंचन पचित समये, वत्सों को छोड़ना ये भगवान का ऐश्वर्य है। भगवान गोपी के घर में जाएं, गोष्ठ में देखें बछड़ा, वो बछड़ा को छोड़ दें और वो बछड़ा जाके सीधो गैया को सबरो दूध पी जाए। लालन घर में जाए और कहवे लगे अरे गोपी देख तेरो गाय जो आपको बछड़ा कोई ने छोड़ दियो, वो सबरो दूध पी जाए। अरे कोने छोड़ो, तो हमको का पतो, जाके देख हम तो सूचना दे रहे। वो गोपी घर कार्य छोड़ के फिर वापिस बाहर जाए, बछड़ा ऐसे ही तो हाथ में आवे नहीं, यूं भागे ऐसी छलांग लगावे। और यहाँ ये लालन का करें, सीधे अपने घर में, वाके घर में सीधे सब बाल बालन को लेकर ऐसो उत्पात मचावे, वाके वस्त्र को छाछ में भिगो दे, माखन आरोगे मटकी फोड़े, बड़ी मेहनत करवो, जब बछड़ा पकड़ के आवे तो पूरो घर ऐसो उथल पाथल। और फिर वो आके देख के हे राम ये का कियो, और फिर अंगूठा दिखा के वाकु चिड़ा, अंगुष्ठा दिखाए रस ले गयो रे परमानंद ब्रजवासी सांवरो, अंगुष्ठा दिखाए रस ले मैया। अब तू कह ये समय नहीं होगी, वाक्य पहले ही बछड़ा को छोड़ दे, निक तेरे ये लाला को समझा, ऐसो नहीं करे, ये कैसो तेरो ये लाला है उत्पाती। मैया कहे बेटा लालन तू ऐसो करे, नहीं मैया ये तो एक नंबर की जुठानी है, झूठ बोल रही है। सच्ची बात बताऊं तो क्या बता, सुन मैया या के गुण मोसो, सुन मैया या के गुण मोसो, इन मोही लियो बुलाई, दधी में पड़ी सेत की चेटी, बार बार मोते कढ़ाई, टहल करत में या के घर की। मैया मैं तो वहां से जा रो, तो वाने बुलायो के लाला यहां आइयो, तो मैं अंदर चलो गयो। फिर मोकू कहे कि लाला ये दही में पड़ी सेंत की चेटी, ये जो चेटी ये दही में पड़ी हुई ये शहद वाली, तो ये तू चेटी को बाहर निकाल दे, मेरे काम करेगो तो ठीक है, तो मैं वो चेटी आपको बाहर निकाल। ये गोपी तो मोकू अपने घर के कामकाज में लगा दे, और तू कुछ बताऊं ये का करे, टहल करत में या के घर की, और खुद पति संग मिल सोई, सूर वचन सुनी हसी यशोदा, ग्वालिन रही मुख चूही। वो ग्वालिन को इतनी शर्म आई कि ये का बोल रहा है, आपको तो कछु शर्म नहीं है, लेकिन मेरे तो विचार चाहे कहे के खुद पति संग जाके सोई, और मुकू तो घर के कामकाज में लगा दे। वाकू इतनी शर्म आई, सीधी वो वहां से भाग गई। चलो भगवान ने विचार, एक केस डिसमिस,
दूसरी गोपी आके कहवे लग गई, मरकान भोक्षण विवजति सर, मैया ये फूल माखन खावे हमको कछु दिक्कत नहीं है, ग्वाल बालन को खवावे यहां तक भी ठीक है, लेकिन मरकान ये बंदरन को साथ में लेके आवे, या के साथ पूरी बंदरन की टोली है और बंदरन को ये खवा। मैया कहे बेटा तू ये बंदरन को खवावे, बंदर तेरे साथ घूमते रहे का, कभी बंदर काट जाएगा वाके नख लग जाएंगे। अरे मैया तू नहीं जाने वो सब बंदर मेरे सखा हैं। बंदर तेरे सखा कब से हो गए? मैया ये इनके साथ मेरी मित्रता तो बड़ी पुरानी है, पिछले जन्म में इनने मेरे लिए बड़ो सो सेतु बनाया, परंतु वास समय तो मैं इनको कछु दे नहीं पायो, और या बखत इनको जो ऋण है ये माखन लुटाए रहो, मिश्री लुटाए रहो, इन बंदरन को आनंद करवा रहा हूं। मैया ये तो मेरे पुराने दोस्त हैं। मैया भी मन में सोचे कि कैसी कैसी बातें बना रहो, जैसे बालक हो ना अलग अलग स्टोरी बना तो हो, लेकिन ये जान नहीं रही है ये कोई सामान्य साधारण बालक थोड़ी है। जाधन को मुनि जप तप खोजत वेद हु पार न पायो, सोधन धरयो क्षीर सागर में ब्रह्मा जाय जगाय, यह धन धर्म ही ते नी के राग यशोदा मैया नारायण ब्रज आयो। मैया ये मेरे पुराने सखा है। एक सखी कहवे लगी, मैया बंदरन को लेके भी आवे, लेकिन बात यह है भांडम विनंती, ये सबरे भांड ये पात्र हमारे फोड़ दे। अब तू बता रोज नए नए भांड हम कहां से लेकर आएंगे? देखो भगवान का तो काम ही ये है, जो बार बार हृदय रूपी भांड यानी हृदय रूपी पात्र में वासना उनमें भरोगे तो ये पात्र ये टूटेगा, ये भांड टूटेंगे। संसार में जो हृदय भग्न हो जाता है ना, कई बार कहते हैं ना इसने मेरे साथ विश्वासघात किया, आने मने छली ली दो, इसने मेरा विश्वास तोड़ा। जो आप संसार में ज्यादा विश्वास रखोगे, संसार में ज्यादा हृदय रूपी भांड में वासना आप भरोगे, आसक्तियां आप भरोगे, तो फिर वो भांड टूटेंगे ही। ये भगवान का कार्य है, देवी जीव ऐसी परिस्थितियों को भगवत कृपा रूप में ही देखता है कि मैं जो इस पे आसक्त था मेरी आसक्ति प्रभु ने हटा दी। यानी भरोसो शिवल्लभ ही को राखो, सगरे काज सरेंगे क्षण में इन्हीं के गुण भाखो, और कोई पे भरोसा मत रखो। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माज अंधे, साधन और नहीं या कली में जासु होत निवे, सूर कहा कहे विविध आंदरो बिना मूल पूछे, दृढ़ चरणन के। बस मुकु तो प्रभु केवल आपको ही भरोसा है, इसके द्वारा इसका जो मुझे सहयोग मिल गया, इसके साथ जो मेरी मित्रता होगी, जैसे व्यापारी बनिए लोग, मैं इसके साथ ज्यादा संबंध बढ़ा लूंगा तो मेरा व्यापार या मेरा कार्य बहुत सरल होता जाएगा। शुरुआत में आपको सरल दिखाई दे, लेकिन आगे चलकर भांडम विनंती याद रखिएगा, वो भांड फूट जाएगा। यानी हृदय में वासना, हृदय रूपी भांड में ये वासना कभी न लाए, आसक्ति को न लाए, वो आसक्ति लाए तो ये भी इसको कृपा रूप मानो, वो विश्वास भंग होगा। वो भांड को तू अंधेरे में छुपा के रखे तो अंधेरे में तो वैसे भी ये डरे बच्चा है तो अंधेरे में जाएगा ही नहीं। मैया मैंने अंधेरे में रख के भी देख लियो, तो का भयो का बताऊं? एक तो याज्ञ स्वरूप में ऐसी अनुपम कांति है, ऐसो तेज है, और साथ साथ तो याको ऐसे अलग अलग प्रकार के मणि माणिक ऐसे श्रृंगार धरावे, और वाको तेज, वो तेज से ये अंधेरे में रखी हुई मटकी भी ढूंढ ले। अब तू बता क्या कर? मैया कर ऐसो कर, मटकी को ऊपर टांग के रख, वहां हाथ ही नहीं पहुंचे को याको मैया मैंने वो भी करके देख ली। तो कह तो का भयो? गोपी कहवे लगी ये जो तेरा तेरो
साल के, पांच पांच साल के, फिर छह छह साल के, तो छह छह सालन को नीचे रखे और फिर वाके ऊपर दूसरे चार चार वर्ष के और फिर वाके ऊपर चढ़ के ये मटकी भी उतार ले। भैया ये तेरो लाला इतनो धूर्त है, मटकी देख के या को पता चल जाए कि या मटकी में माखन है और या मटकी में छाछ है। बोल या को इतनी पता चल जाए और तो को पता ही है तेरो धूर्त छोरा का करे। जो माखन की मटकी वहां में तो बड़ो छिद्र करेगो कि जासे लौंदा निकले, और जो छाछ की मटकी वहां में छोटो सो छिद्र करेगो कि जिस छाछ की धार आवे और फिर आप भी पान करें और दूसरे जो वो धार निकले दूसरे को पान कराते जाएं और माखन एक दूसरे के मोड़े पे डालें, ऐसो खेल करें, ऐसो उधम मचावे। मैया का बताएं तुमको? मैया कहे ऐसो करो, वो बालक के वाको का मैं समझाऊं, तू तो बड़ी समझदार है, ऐसो कर तू भांड को अपने घर में ही मत रख, पड़ोसी में रख। तेरे जो सेविंग्स है वाकू तो अपने घर में मत रख। पड़ोसी के वहां पे रख दिया गया। अच्छा पड़ोसी के वहां पे रखो, मैया मैंने ये करके भी देख लियो तो के तो का भयो याद क्यों प्रकोष्ठ तो कान। जब हमारे घर में ये मटकी मथनी नहीं देखे तो क्या करे, हमारे लाला को आके हमारे बच्चा को आके चूटिया भर के चलो जाए और कह दे कि तेरो तेरी माँ कैसी, देख तेरी माँ कैसी, हम ग्वाल बाल के लिए कछु नहीं रखे, देख तेरी माँ कैसी, वाकू चूटिया भरे मेरे बच्चा को चिड़ावे, देख तेरी माँ कैसी, तेरी माँ कैसी। भैया कहा बताए तेरे ये लाला के उधम हम कैसे बताए। सब गोपी जो जो उनके अनुभव, ये जो ठाकुर जी की ये जो लीलाएं हैं, मैया आप तू बता कि या को निवारण कैसे हो। यमुना जल भरवे जाए तो वहां पे भी सी से ये अभी तो जल भरे वहीं पे आके गागर फोड़ देवे। अब तू बता मैया कि बार बार ये मटकी ये गागर को फोड़े तब नहीं नहीं हम मटकी माखन कहां से लेके आ। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गागरिया मत घोर कन्हैया, मुख से दूंगी लालन मटकी आके फोड़े और यहाँ पे ये गोपी तो वाके साथ लड़ने की तैयारी। ये ब्रज लीला है प्रियजनों, ये तामस लीला है और ये तामस भाव के चलते आप देखो गोपियां कैसे कैसे शब्द को प्रयोग करें, कभी धूर्त कहें कभी दुष्ट कहें। अरे तुम मान रहे कि नहीं, तेरी मैया तो तू नहीं समझावे लेकिन हम तो को नहीं छोड़ेंगे। गागरिया मत घोर कन्हैया, मुख से दूंगी गारी। गागरिया मत फोर कन्हैया, मुख से दूंगी गारी। गागरिया मत फोर कन्हैया, मुख से दूंगी गारी। मैं जल जमुना भरने गई थी, मैं जल जमुना भरने गई थी, बीच में मिले गिरधारी, बीच में मिले गिरधारी। गागरिया गरिया मत फोर कन्हैया, मुख से दूंगी गारी। Thank you.
गागर फोड़ी मैया मोरी, गागर फोड़ी मोरी मैया मरोड़ी, मोती अन किलर तोड़ी, मोती अन किलर तोड़ी, गागरिया मत भूल कर हैया मुख से गरिया मत फोड़ कन्हैया मुख से दूंगी गारी। मोतियन की लर तोड़ी, मोतियन की लर तोड़ी, गागरिया मत फोर कन्हैया मुख से दूंगी गारी, गागरिया मत फोर कन्हैया मुख से दूंगी गारी। Thank you.
ब्रखुबान दुलारी, हम ब्रखुबान दुलारी, गागरिया मत ढोल कन्हैया मुख से दूंगी गारी, कना गागरिया मत ढोल कन्हैया मुख से दूंगी गारी, 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 मुख से दूंगी गारी, मुख से दूंगी गारी। गागरिया मत भोड़ कन्हैया मुख से दूंगी गारी, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये जो प्रभु की ये जो धूर्त लीला जो है, प्रभु की ये जो कुमार लीला, श्री आचार्य चरण इस लीला के पीछे रहा हुआ जो गूढ़ार्थ है उसको आप श्री सुबोधनि जी में प्रकाश करते हैं, प्रकट करते हैं कि ठाकुर जी की ये कुमार लीला तीन प्रकार की है। एक है कौतुक विष्टा, रसाविष्टा और कामाविष्टा। ये कुमार लीला कैसी है? कौतुक विष्टा यानी आश्चर्य उत्पन्न करने वाली, ऐसा ऐसा आश्चर्य कौतुक करके गोपियों को आश्चर्य हो जाए। वो गोपी ने रंगे हाथ पकड़ लियो लाला को, ने एक बार तो कहा तो लेके जाऊं, कई बार मैया को कही लेकिन वो माने ही नहीं है। अभी तेरे जो माखन वालो मोड़ो है ये हाथ है, हाथ पकड़ के ले गई, ले जा रही है रास्ता में। वहीं पे लाज तो हो गई विशेष रूप से ब्रज में, वो लाज निकाली भाई, बोलती जाए देखो ये कन्हैया, देखो ये कैसो। प्रभु ने मन में विचारी कि कछु करना पड़े बड़े। वहीं पे ये जो गोपी पकड़ के ले जा रही थी वो गोपी को ही सखा वाको, ही जो कन्हैया को सखा है वाको पुत्र, वो रास्ता में मिल गए। कन्हैया ने वाको बुलाया, साथ साथ में चलवे लगे। कन्हैया गोपी को कहवे लगे, अरे गोपी ये तू कब से एक हाथ पकड़ के चल रही है, ऐसा कर मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले। पर हाथ दुखवे लग गया, ठीक है वो हाथ छोड़ो। तो याने इनने कहा कि बाकी छुरा को हाथ इनको पकड़ा दिया और छुरा के मोड़े में माखन मिश्री पूरा मोड़ो भर दिया। वो कुछ बोल ही नहीं सके, वो अपने ही छुरा को पकड़ के सीधी मैया के, देखो मैया देख, रोज हम आके तुमको कहें लेकिन तू कभी स्वीकार नहीं करें, देख आज ये देख ये तेरे छोरा को पकड़ के मिलाई, देख आपको मोड़ो, देख आके हाथ देख। मैया ने आके देखियो पीछे वो छोरा, मैया कहे मैंने तो देख लियो, तू भी देख मुड़ के। मैया गोपी ने मुड़ के देखियो तो वाको छोरा, अरे तू कहां से आयो? वाकू बड़ी शर्म आ गई। अब यशोदा मैया पहले ही कोई बात कोई की मानती नहीं थी, जाको जो बिगाड़ की हो मोसो सो मांग ले, गारी मत दीजो, हो गरीबन को जायो, मेरे लाला के विषय में कुछ बोलियो ही मत। अब तो और झूठी पड़ गई, तो बड़ी शर्म आ गई, अब क्या बोलूं, क्यों मेरे लाला के पीछे पड़ी रहे, बाकी चुगली करती रहे, अपने छोरा को तो उठा के ले आई। बड़ी एक शब्द बोल नहीं पाई, शर्मा की वापिस पीछे, वही वापिस कन्हैया मिले, कहवे लग गए अरे देखियो कैसी रही, कैसे की होते ने, कैसे की वो बात छोड़ो, देख अगली बार कछु गड़बड़ तूने करी ने तो अभी तो तेरे छोरा को हाथ पकड़ा है, अगली बार तेरे धनी को हाथ पकड़ा दूंगा, ये तो तेरे छोरा था,
कौतुक आश्चर्य प्रकट करने वाली ऐसी ऐसी लीलाएं ठाकुर जी की, कई ऐसे प्रसंग हैं। कभी गोपी को रूप धारण करके चले जाएं, अरे ओ बहना, वो अंदर से विचार करने लगे मेरी तो कोई बहन है ही नहीं, आई कहां से अचानक, कौन है तेरी बहन, मेरी बहन, मेरे बाबा ने तो कभी कही नहीं कि मेरी कोई बहन है, अरे तेरी दूर की चचेरी बहन, अच्छा आओ आओ, मोड़ो तो दिखा, नहीं मोड़ो नहीं दिखा सकूं, क्यों, अरे कहा बताऊं, मेरी सास तो को तो पता ही होगी सास कैसी हो, मेरी सास तो बड़ी वाने ठानी है कि जब तक वो देवी के पूज के नहीं आऊं तब तक कोई को अपनो मोड़ो नहीं दिखाना, और यहाँ जो मैं यहाँ पे आके तुको मैंने मोड़ो दिखा दी और पता चल गई तो मेरी मारू आई बहन हो पी, ठीक है मोड़ो मत दिखा। अब वो गोपी रूप धारण करके आप खुद ही पधारे थे, मीठी मीठी बातें करवे लग गए, और फिर बहना तुमको जल भरवे नहीं जानो, हाँ जानो है लेकिन घर को काम निपटा दूं फिर जाऊं, अरे काम करवे के लिए मैं तेरी छोटी बहन हूं, सबरो काम कर दूंगी, काका करनो है ये सब, देख साफ सफाई कितनो सारो पड़ो है, कितनो काम करनो है, अरे मैं सब साफ सफाई कर दूंगी, मुझको साफ करना बहुत अच्छो लगे, मैं सब साफ कर दूंगी। वो बड़ी राजी मटकी हाथ में लेके प्रसन्न हो गई, जाते जाते कहवे लगे ध्यान रखियो, हाँ मैं जल भरवे जा रही हूँ तू ये काम कर, लेकिन याद रखियो ये सांवलो सलोनो एक छोरा यही घूम तो रहे, घर में घुस नहीं जाए, घुस गयो तो मुश्किल हो जाएगी तेरी, अरे कैसे घुसेगो, ये डंडा लेके मैं खड़ी हूँ घुसेगो ही नहीं, तू जा। वो जल भरवे जावे, ये वही आपको कौतुक विष्टा ऐसी ऐसी लीलाएं वहां पे करें, वो बड़ी प्रसन्न है, आज तो मेरी बहन आ गई, आराम से तट पर जाके बैठूंगी, गपाटे मारूंगी, बातचीत करूंगी सखियों के साथ, रोज तो टाइम ही नहीं मिले, अब तो घर को काम तो वो सबरी बहना निपटा देगी, मुझको ज्यादा समय मिल गए बातचीत करने को, महिलाओं को समय ज्यादा चाहिए बातचीत के लिए, एक सहज एक स्वभाव होता है। वो आराम से बैठी है, बातचीत चल रही है, और यहाँ पे साफ सफाई की प्रक्रिया चल रही है, जल भर के वापिस आई तो पूरो घर ऐसी हालत, अरे ये का हो गयो, मन में सोची वही आ गयो, अरे मेरी बिचारी वो दूर से आई बहन, वहां को कहा हालत करी हुई थी इनने, घर में ढूंढवे लग गई, अरे वो बहना कांग गई, तो वो वहां पे अंदर रूम में बैठ के मोड़े पे हाथ रख के रोवे के नाटक करे, अरे क्यों रो रही है, अरे का बताऊं, तुमको के गई थी घर में, वहां को घुसवे मत दीजो, लेकिन वहां ने तो ऐसे पराक्रम करे मैं वहां को रोक नहीं पाई, देख ये सब मटकी फोड़ दी, ये तेरे वस्त्र ये वो सब मैंने कितनों साफ कियो थो, मुको क्षमा करियो, ऐसी ऐसी जोर जोर से रोवे, वो कहते कि कोई बात नहीं, हमें तेरो दोष का है, तू क्यों रो रही है, चिंता मत कर मैं तेरे लिए जल लेके आऊं, रो मत कोई बात नहीं। वो अंदर जल लेवे गई वाके लिए, वहां पे तो ये ओढ़नी वगैरह सब निकाल के और पीताम्बर मोर पंख धारण करके ऐसे हंसवे लगे, देख तुमको कैसी बनाई, देख तुमको कैसी बनाई, देख तुमको कैसी बनाई, अरे तू कौतुक विष्ट आश्चर्य, ठाकुर जी की ऐसी लीला है, श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि आश्चर्य उत्पन्न करने वाली, ये जो कुमार लीलाएं हैं प्रभु की कौतुक विष्टा, दूसरी है रसाविष्टा, रस आनंद उत्पन्न करने वाली, रस प्रकट करने वाली, तीसरी है कामाविष्टा, यानी ठाकुर जी की कुमार लीला कैसी है, पुनः पुनः दर्शन की इच्छा उत्पन्न करने वाली, क्योंकि ये सब आपकी कौतुक विष्टा से या आपकी रसाविष्टा के द्वारा गोपियों को मन ऐसो ठाकुर जी में के बार बार ये उल्हाना देने जाना, वो भी एक प्रकार का दर्शन करने का ही हेतु है। यह त्रिविध लीलाओं का रसपान करने वाली ये गोपियां और उनके भी अलग अलग प्रकार के अधिकार, वो भी तीन प्रकार की गोपियां हैं। श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, सुबोधनी में समझाते हैं कि भगवान जो बछड़ों की पूंछ पकड़ते हैं, श्री आचार्य चरण उसका भाव बताते हैं कि भगवान कर्मनिष्ठों को कर्म फल देने के लिए कर्म के अंग रूप देवता बन जाते हैं एवं उसका आश्रय सिद्ध करवाते हैं, लेकिन कर्म जड़ जीव मूढ़ होते हुए वो ये समझते हैं कि हमको यह फल तो देवताओं के द्वारा प्राप्त हुआ है,
इसलिए वे भगवान से साक्षात संबंध जोड़ नहीं पाते, भगवान की सेवा नहीं करते और यह बात नहीं समझ पाते कि हमको ये जो सफल देने वाले हैं वो भगवान ही कर्मांग देव बने हैं। और ऐसी स्थिति के चलते वह जीव आगे नहीं बढ़ पाता। जैसे बछड़ों को भगवान ने पकड़ा, अर्थात बछड़ों का भगवान ने स्वीकार किया, उनका वरण किया, बछड़ों को अपने श्रीअंग के स्पर्श से उनको आनंद दिया, लेकिन मूढ़ होने वाले इस भाव को न समझ पाए, भगवान को प्राकृत जान उनसे अपने आप को छुड़ाने के लिए भागने लगे। वह कर्म जड़ जीव, अस्थिर मति वाले मूढ़ ऐसे हैं जो जहां तहां भटकते हैं। और मूड होने से भगवान की लीला का रहस्य गौवत्सों की तरह नहीं समझ पाते। श्री आचार्य जी समझा रहे हैं, जैसे गाय के पूंछ को पकड़ी वो बछड़ा भागे, प्रभु से अपने आप को छुड़ावे को प्रयास करे, मूड जीव कहो जाए। ऐसे ही हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो भी हमारे द्वारा कर्म आदि हो रहे हैं, यज्ञ आदि हो रहे हैं, अनुष्ठान आदि जो भी कुछ हो रहा है और जो भी फल की हमें प्राप्ति हो रही है, वह फल देने वाले प्रभु स्वयं खुद ही हैं। भक्तों के फल देने के लिए, भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने के लिए आप वह देवताओं के अंग रूप हो जाते हैं। प्रभु सिंह या नख वाले आदि पशुओं के पास जाना, श्री महाप्रभु जी इस लीला का रहस्य समझाते हैं कि माता का जो सत्व लौकिक भाव एवं ग्रह कार्य में आसक्ति से निवृत्त कराने के लिए श्री ठाकुर जी ये बड़े बड़े नख वाले, बड़े बड़े दांत वाले ऐसे पशुओं के बीच में चले जाते हैं कि जैसे यशोदा जी की आसक्ति और जगह से हट जाए। कारिका में आप श्री आज्ञा करते हैं, इष्टस्य दुष्ट संबंधे शिष्टः पुष्टिं विमुच्यति नान्यथेति हरि प्रीतिः सत्यः क्रूरगतो भवे। आप श्री आज्ञा कर रहे हैं कि जब इष्ट का दुष्ट के साथ संबंध हो जाता है तो शिष्ट अपने पोषण को त्याग देता है। देखो इष्ट यानी हमें जो प्रिय है, तो माता का प्रिय कौन? तो के लालन भगवान, वो माता के प्रिय हैं। अतः इष्ट यानी भगवान और शिष्ट का अर्थ है इष्ट के अतिरिक्त जो श्रेष्ठ बचा वो कौन? तो वो माता। तो माता वह श्रेष्ठ है और ये इष्ट हैं। तो यशोदा मैया की आसक्ति अपने में लगावे के लिए भगवान खुद स्वयं साधन कर दुष्टों का संग करते हैं। जीव के लिए दुष्टों का भी संग करते हैं, इसको इसलिए इसको साध्य रूप निरोध कहा जाता है। श्याचार्य चरण समझाते हैं कि गोपियों का दिया हुआ जो उल्हाना वो भी दोष दृष्टि से नहीं है। जो गोपीजन ठाकुर जी में दोष दृष्टि रखकर उल्हाना देती तो उन गोपियों को निरोध सिद्ध नहीं होता। वह गोपियां इस दोष इस कुमार अवस्था का है, इस बुद्धि से भगवान को उलाना दे रही हैं, यशोदा जी को उलाना दे रही हैं। कृष्णस्य गोप्यो रुचिरम वीक्षकोमा रचपालम श्रृण्वताम किल तन्मातुरितम प्रोच समागताः। देखिए गोपी शब्द का अर्थ ही होता है गोभी ही पिबती इति गोपी, अर्थात गो यानी इंद्रियां, पी यानी पीना, यानी जो अपनी समस्त इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे वह गोपी। और दूसरा भावार्थ श्री आचार्य चरण बताते हैं कि गुपु रक्षण धातु से भी गोपी शब्द बनता है, यानी गोपायति इति गोपी। गोपी किसको कहते हैं? कि जो रक्षा करे वह गोपी। प्रश्न ये उठता है कि रक्षा किसकी करनी है? तो कि कृष्ण की। किससे करनी है? तो कि कंस की दुष्ट दृष्टि से। कंस की दुष्ट दृष्टि से लालन कृष्ण की रक्षा करनी है, उसको बचाना है। क्योंकि जब पूतना वध हुआ, पूतना वध के बाद कंस की दृष्टि गोकुल पर पड़ी, देखिए पहले कंस जानता नहीं था कि उसका काल कहां पर है, इसलिए उसने पूतना को भेजा और वो पूतना कितनी हजारों बालकों को उसने विष पिलाया, कितनी बालकों को मारा।
क्योंकि उसको पता नहीं था उसका काल कहाँ है। तो क्या निर्णय किया था कि जितने भी बालक का जन्म हुआ है सबको मार दो। लेकिन जब पुतना का उद्धार हुआ, पुतना जब मरी और ये समाचार जब कंस को पता चले, तब कंस को ये विश्वास हो गया कि मेरा काल मुझे मारने वाला और कहीं नहीं है लेकिन श्रीमद् गोकुल में है। और तब से उसकी दृष्टि गोकुल पर है। तब ये गोपियों को उसकी कंस की दृष्टि से इस लालन को बचाना है। तो बचाने के लिए क्या करती हैं? ये उल्हाना देती है, अरे ये चोर, ये चोर, ये माखन चोर, ये माखन चोर, ये चोर, ये चोर। और ये जो माखन चोर को ऐसो हल्ला पूरे ब्रजमंडल मथुरा तक फैल गयो। तो कंस ने ये सोची कि मुकुम मारवे वालों कोई चोर उच्चक्का तो हो नहीं सके। मैं कंस, मुझे मारने वाला तो बहुत ही बड़ा तेजस्वी, बहुत बड़ा विद्वान कोई ऐसा होगा, कोई चोर उच्चक्का आके थोड़ी मुझे मार सकता है। तो कंस की दृष्टि जो नंद यशोदा का जो बालक है उस पे से हट गई कि ये तो नहीं है, अब और कौन है। तो ये गोपियों का जो उल्हाना देना है वो क्या कर रही है, उल्हाना देकर ये जानबूझकर ऐसा हल्ला मचाया कि कंस की दृष्टि से कृष्ण बच जाएं। जो ठाकुर जो कृष्ण की रक्षा करे, गोपायति इति गोपी। और श्री आचार्य चरण यहां पे एक बड़ा विशिष्ट दूसरा भाव बताते हैं कि ये उल्हाना के माध्यम से गोपियों ने प्रेम करने का प्रकार भी हमको सिखाया है। श्री आचार्य चरण कारिका में लिखते हैं, गुप्तो ही रसह रसत्वम आप जते प्रकटस्त्व रसाभास एव। आप श्री आज्ञा करते हैं कि ये प्रेम करने का प्रकार कैसा होना चाहिए कि प्रेम का रस ढका हुआ ही रसप्रद होता है, क्योंकि यदि प्रकट हो जाए तो वह रस प्रदूषित हो जाता है। देखिए गोपियों का माखन निकालना, मंथन करना वो किसके लिए है? कृष्ण के लिए ही है। और वह मंथन करने के बाद, माखन निकालने के बाद कृष्ण को निमंत्रण भी भेजती हैं। कैसे निमंत्रण देती हैं? वो भी गुप्त प्रकार से। गाय के गले में घंटी बंधी हुई, गौ माता को कहती है सामग्री तैयार हो गई है, तू जाके कन्हैया को विनती करा। और फिर वो गाय वह सीधो नंदालय की ओर गति करे, वहां पर जाकर गले में जो घंटी बंधी हुई है यूं मुड़ो हिलावे और घंटी बजे। और जैसे ही घंटी बजी तो कन्हैया जान गए कि अब सामग्री, अब भोग तैयार हो गया है, सामग्री तैयार हो गई है। पुष्टि मार्ग में आज भी निधि स्वरूप के वहां पर ये क्रम रहा हुआ है। ठाकुर जी को राजभोग आने के पहले जो घंटा नाद होते हैं उसका ये भाव है, वो गाय आकर घंटी बजावे और ठाकुर जी जान जाए कि अब सामग्री तैयार हो गई है। और फिर प्रभु ने देखियो, फिर क्या कहें, मैया को कह रहे, मैया देखिए कोई को बछड़ा यहाँ पे आ गए हो, मैं वाकु वाके घर पे पहुंचा दूं। और फिर वो बछड़ा ठाकुर जी को लेकर वो आगे आगे, ठाकुर जी पीछे 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 पीछे। और फिर जो गोपी को ये संदेश, तो वो गोपी के घर पे आके वो खड़ी हो जाए और फिर ठाकुर जी गुप्त प्रकार से वाकु माखन आ पा रहे। तो निमंत्रण भी बड़े संकेत में गुप्त रखकर, प्रीत हीये में राखिए प्रगट किए रस जाए। तो ये गोपियों को कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वह प्रेम को कोई की नजर न लग जाए, यानी क्रोध को ऊपर से आडंबर कर रही है। क्रोध करनों को एक केवल दिखावा मात्र है कि जो मेरो जो प्रेम है, अंतरंग जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, वह प्रेम को, स्नेह को कोई की नजर न लग जाए, या लिए उलाना देनो क्रोध करनो, अपने प्रेम को वो छुपा के रख रही है। तो प्रेम ये रस है और रस जब तक ढका हुआ रहे तब तक ही वो शुद्ध है, और रस को ऐसे ही खुला रख दो तो वो दूषित हो जाता है। यानी जो अपने अनुभव की जो बातें हैं, बात हिलग की कासो कहिए, ये तो अनुभव की बात है, अनुभवी बिना अनुभव कहां ते होए। ये तो जब हरिजन जैसे कहो ना कि श्री हरिराय जी आज्ञा कर रहे हैं, श्री वल्लभ नाम अगाध है जहां तहां मत बोल, जब हरिजन ग्राहक मिले वा आगे तू खोल। वो तो कोई ऐसो हरिजन होए
संभाव वालो हो तो वाके आगे अपन कछु अपने मन के भाव वाके आगे प्रकट करें, लेकिन बाकी तो नातर रही है मौन वे मौन रहनो चाहिए। अपने भाव को ज्यादा प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रकट किए रस जाए। तो ये उल्हाना देने आना गोपियों का, ये भी एक प्रकार से भगवत दर्शन की, ये गोपियों की लालसा है। तो इस प्रकार श्याचार्य चरण ये कौतुकविष्टा कामाविष्टा रसाविष्टा तीन प्रकार के ये ठाकुर जी की जो कुमार लीला है उसका आपने वर्णन किया। योजनाकारों ने भी इस विषय पे बहुत विस्तार किया है, श्री लालू भट्ट जी ने, कि ठाकुर जी की ये माखन चोरी क्या है उस पे भी, क्योंकि श्री महाप्रभु जी ने भागवत पे सुबोधनी और वो सुबोधनी को और विस्तार और समझने के लिए श्री गोसाई जी की टिप्पणी, पुरुषोत्तम जी का प्रकाश, श्री लालू भट्ट जी की योजना आदि अन्य भी कई ग्रंथ प्रकट हुए हैं और अन्य आचार्यों ने भी इस विषय पे काफी भाव प्रकट किए हैं। और वैसे भी देखा जाए तो चोरी कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो उनका ही है। चोरी का मतलब क्या होता है? किसी के हक का चुरा लेना, उसी को तो चोरी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे तो सर्व खलु इदं ब्रह्म ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचिं जगतां जगत् केन तक्तेन भूजिथा। यहाँ तो सब कृष्णमय है, कृष्ण रूप है, यानी खुद का था खुद ने ले लिया, यानी चोरी तो कुछ है ही नहीं। तो इस प्रकार ये प्रभु की कुमार लीला का वर्णन किया। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, एकदा क्रीडमानास्ते रामाध्या गोपदारका कृष्णो मृदं भक्षित्वान् इति मात्रे नवेदयन्। एकदा शब्द का यहां पर प्रयोग किया, एक दिन की बात है। आपसी आज्ञा करते हैं, वो एक दिन कब? यदा भागवत प्रवणमेव चित्तम स्थितम, जब यशोदा जी का चित्त भगवान में एकतान हो गया एवं गोप बालकों को आपस में समान भाव जब जागृत हो गया, छोटे बड़े का ध्यान न रहा, तब ग्वाल बालों के अंदर भी यह भाव आ गया कि जैसे जैसे हम हैं वैसे ही कृष्ण भी हैं। तब भगवान को ग्वाल बालों ने चुपके चुपके ब्रह्मांड घाट पर मिट्टी खाते देखा। गोप ग्वालों को ठाकुर जी में दोष दिखाई दिया, बलराम जी को भी दोष दिखाई दिया, क्योंकि यदा यत्र हरि स्वामी नमाविष्ट सोन्य था वदे, आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं कि उस समय बलराम जी के अंदर भगवत आवेश स्वरूप नहीं था, भगवत स्वरूप का आवेश नहीं था। तो बलराम जी जाकर यशोदा जी को कहने लगे, दोष बुद्धि बलराम जी के अंदर आई। यशोदा जी को जब पता चला, यशोदा जी ब्रह्मांड घाट पर पहुंची, कहने लगी, अरे कस्मान मृदम अदान तत्मन, अरे ओ असंयमी अंतःकरण वाले। क्या कह रही है यशोदा जी? अरे ओ असंयमी अंतःकरण वाले, तेने मृतिका भक्षण क्यों किया? लाला तेने माटी क्यों खाई? अभी तक तो तेरी चुगलिया ये गोपियां ही कर रही थी, लेकिन अब वदंती तावका देते, अब तो तेरे सखा भी आकर तेरी चुगली करवे लग गए। तू लाला ये का कर रो है, का खायो तेने? भगवान कहते हैं, नाहम बक्षिवित्वान अम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः, नाहम बक्षित्वान, मैया मैंने माटी नहीं खाई, नाहम बक्षित्वान। अब देखिए ये जो भगवान के जो वचन हैं, उन वचनों को आचार्य श्री महाप्रभु जी ने श्री सुबोधनी जी के अंतर्गत दो प्रकार से समझाए हैं, ध्यान दीजिए। एक तो ज्ञान मार्ग की दृष्टि से आप समझा रहे हैं और एक भक्ति मार्ग की दृष्टि से आपने समझाया, पुष्टि मार्ग की दृष्टि से। भगवान के जो वचन है कि नाहम बक्षित्वान, ज्ञान मार्ग की दृष्टि से कि ब्रह्म भोजन न करने के कारण वो अभोक्ता है, क्योंकि श्रुति कहती है, अनश्न नन्यो अभिचाकशिति, ब्रह्म स्वयं खाता नहीं किंतु खाने वाले को देखता है। ये श्रुतियां कहती हैं, वेद कहता है कि वो साक्षी स्वरूप है, यानी वो भोक्ता नहीं है, वो साक्षी स्वरूप है। तो ब्रह्म स्वयं खाता नहीं किंतु खाने वाले को देखता है, इसलिए क्या कहा भगवान ने, नाहम बक्षित्वान। क्योंकि जैसे जीव रूप खाता है और ईश्वर रूप देखता है, वैसे ही यहाँ साक्षी रूप से भगवान देख रहे हैं। सर कृष्ण कथा अमृत रस का रसास्वादन किया, वैष्णव ये तो बल्लभ प्रभु की वाणी है और बल्लभ की मुखारविंद से यहाँ उच्चारित हो रही है, इसके विषय में
क्या कह सकते हैं, बस इतना ही कह सकते हैं कि माना लकीरों से तकदीर बदलती है, माना लकीरों से तकदीर बदलती है, लेकिन जिस पर वो बल्लभ की कृपा उसे लकीरों की जरूरत नहीं होती है, जिस पर वो बल्लभ की कृपा उसे लकीरों की जरूरत नहीं होती है। तो बंधुओं, कल 26 तारीख को भांडिर वन, श्याम वन, बेल वन, खिचड़ी खेल का मनोरथ है। जो भी मनोरथी बनना चाहे अपना नाम कार्यालय में दर्ज करा सकते हैं। इसी के साथ बहुत ही सुंदर सुंदर मनोरथ हो रहे हैं। आज गोचारण का मनोरथ है, तो आप जो भी प्रतिदिन के मनोरथी बनना चाहें वो बन सकते हैं, और इस ब्रज भूमि में आकर इस महान जो ये कार्य है इसमें अपनी भागीदारी प्रदर्शित कर सकते हैं। वैष्णवों को प्रसाद लिवाना, नाना प्रकार के हमारे जो मनोरथ हैं, कुनवाड़ा है गिरिराज जी का, यमुना जी का कुनवाड़ा है। अब मैं अपना माइक हमारे राजू जी जो पुरोहित हैं, कल की तपेली और परसों की तपेली के यदि कोई मनोरथी बनना चाहे तो कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। कल की और परसों की तपेली के जो भी मनोरथी बनना चाहे वो कार्यालय में संपर्क करें। और इसी के साथ अब राजू भाई जो हेला देंगे उसको आप बड़े ध्यान से सुनेंगे। बोलो गिरिराज श्याम सुंदर श्री अमले पल्लवाधीश की वैष्णव सामने काले सवारे यात्रा आई थी 6 बजे भांडीरवन श्याम वन भांडीरवन में ब्रह्मा जी ने भगवान का स्वामी जी के साथ गंधर्व विवाह किया है। वह स्थान के दर्शन, दाऊ जी के दर्शन, श्याम वन में श्याम भट्ट के दर्शन करके बेलवन, बेलवन में लक्ष्मी जी के दर्शन, लक्ष्मी जी के दर्शन, उसके आगे वहीं पर खिचड़ी खेल का मनोरथ होगा। सभी वैष्णवों को सूचित किया जाता है कल सुबह यात्रा यहाँ से 6 बजे भांडीरवन, भांडीरवन में भांडीर बिहारी के दर्शन, दाऊ जी के दर्शन, श्री ठाकुर जी के गुप्त विवाह के स्थान के दर्शन करके आगे श्याम वन, श्याम वन में श्याम भट्ट के दर्शन, वहां से आगे बेलवन, बेलवन में महाराज जी के दर्शन, श्री बैठक जी पे झारी संस्वत और खिचड़ी खेल का मनोरथ वहीं पे सभी वैष्णवों का होगा। सभी वैष्णवों को महारे श्री के प्रोहित राजू चौबे की जैसी के बल जमना मैया की। हाँ, वेश का जो है प्रसाद जो है ग्रहण करना है, इसलिए आप सभी जो है वहीं पर खिचड़ी का प्रसाद ग्रहण करेंगे और भांडेर वन होते हुए और वहां पर पहुंचेंगे। इसी के साथ आज बैठक जी की तपेली के जो वैष्णव हैं, अर्जन भाई, जादव भाई, दूधात्रा सूरत, अगर यहां पर उपस्थित हो तो आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए पधारे। अर्जन भाई, जादव भाई, दूधात्रा सूरत, गोलोकवासी ब्रजलाल जादव भाई सूरत, योगेश भाई गाजरिया मस्कट यहां पर मेरे सामने बैठे हुए हैं, आ जाओ। गंगा देवी तापड़िया और अशोक गिरधर जी बियानी आकोला, गंगा देवी तापड़िया
और अशोक गिरधर जी बियानी आकोला। इसी के साथ कल और परसों की जो भी तपेली वैष्णव कराना चाहें वो कार्यालय में संपर्क करें। परसों बंसी भट्ट की बैठक जी पर जो भी तपेली कराना चाहें कृपया वह कार्यालय में संपर्क करें। आज जिन वैष्णवों ने मुकाम पर तपेली करवाई थी जिनका नाम लिया वो आशीर्वाद लेने के लिए ऊपर आते जाएं। अर्जन भाई, जादव भाई दूधात्रा सूरत, गोलोकवासी ब्रजलाल जादव भाई सूरत, योगेश भाई गाजरिया मस्कट, गंगा देवी तापड़िया और अशोक गिरधर जी बियानी आकोला। मुकाम पर जिनकी तपेली है हंसा बेन भरत भाई, रसीला बेन छगन भाई कालावड़, हंसा बेन भरत भाई, रसीला बेन छगन भाई कालावड़, भूपेंद्र जी डोंगा सूरत, भूपेंद्र जी डोंगा सूरत, फूलचंद जी पाटीदार ठीकरिया, बाने भेजो। संदीप भाई कांजी भाई अकबरी सूरत, संदीप भाई कांजी भाई सूरत, आज गोचारण लीला के मनोरथी हैं। शैलेश भाई जरसानिया केशोद, शैलेश भाई जरसानिया केशोद, यमुना सत्संग मंडल मोरवी, हंसा बेन भरत भाई, गोपिका बेन रसीला बेन छगन भाई कालावड़, नंद किशोर जी श्यामदास जी राठी, कुसुम बेन महेश्वरी शिवपुरी, पोथी मनोरथी कुमारी मान्या बहन, कुमारी मान्या बहन जो पोथी मनोरथी हैं। इसी के साथ कल और परसों की जो भी तपेली के मनोरथी बनना चाहें कार्यालय में संपर्क करें। बंसी भट्ट पर तपेली होगी जिसके लिए काय बंसी भट्ट सो भट्ट नहीं और नंदगाम सो गाम, तो बंसी भट्ट पर तपेली है। जो भी वैष्णव तपेली कराना चाहें अपना नाम जरूर लिखाएं और जरूर जो है तपेली में जो है सहभागिता दर्शावें। अभी चरण स्पर्श के लिए आप श्री मंदिर के बगल में जहां नित्य विराजते हैं वहां विराजेंगे, सभी वैष्णवों को वहां पर चरण स्पर्श का लाभ मिलेगा। इसी के साथ हमारे जो मनोरथी हैं चिमन भाई फलदू एवं उनका परिवार, सुशीला बेन सोनल बेन और गंगा भाई तापड़िया आकोला मंडल आरती के लिए यहां पर पधारेंगे। तो कल और परसों की तपेली के लिए स्पर्श के लिए सूचना है, कल की कोई तपेली नहीं आई है इसलिए आप आग्रह रखें
महाप्रभु जी के यहाँ पर अपने जो है देवी द्रव्य की सामग्री आप समर्पित करें, यही आपसे आग्रह है, क्योंकि हम यहाँ पर आए हैं और वल्लभ के साथ श्री वल्लभ प्रभु को जो है हम अपने देवी द्रव्य का उपयोग करें, हमारे द्रव्य का विनियोग करें, यही हमारी यात्रा की सार्थकता होगी। इसलिए आपसे यही मैं कहूंगा कि आप जो है कल और परसों निश्चित जो है तपेली के लिए आग्रह रखें। बोलो वल्लभाधीश की जय। वल्लभाधीश की जय। आपसी के चरणों में विनंती करती हूँ, अकोला मंडल की ओर से आज हमने पधरावने का प्रोग्राम रखा है, तो यहाँ भागवत हॉल में रखेंगे क्योंकि मंडल काफी बड़ा है और सभी को चरण स्पर्श देने की इच्छा है। तो आपसी के चरणों में दादाजी तो पधार गए, लेकिन दादाजी को भी मेरी यही विनंती है और हमारे सब बहुजी लोगों को भी विनंती करती हूँ कि सह परिवार सहित आप लोग यहाँ पधारे। और यमुना मंडल की बहने अकोला, सभी लोग यहाँ पे 9 बजे भोजन के पश्चात, 8:30 बजे यहाँ पे भोजन के पश्चात यहाँ पे सब इसी हॉल में, भागवत हॉल में जरूर जरूर पधारे और चरण स्पर्श का लाभ लेवे। जिन वल्लभाधीश की जय। सब बहनों को समझ में आया ना? यमुना मंडल की पधरावनी यहाँ भागवत हाल में होगी, जो भी यमुना मंडल की भीष की जय। कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी, तुझ पे हुकाना बलि बलि जाऊं, सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं, प्रेम के रंगी में रंगी भक्ति में तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। ये माटी का कण है तेरा, मन और प्राण भी तेरे, ये माटी का कण है मन और प्राण भी तेरे, मेघ गोपी तुम हो कन्हैया, तुम हो भगवान मेरे, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी, ओ काना रूप अनुपम मन को हरता जाए, मन ये चाहे हर पल अखिया तेरे दर्शन पाए, दर्श तेरा प्रेम तेरा आस है मेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, तुझ पे उठाना बलि बलि जाऊं, सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन करत कृपाणि, परम
अवतारा वयो जात भजो कृष्ण दास काज सब सदई जो जाने श्री विठल नाथ परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन करत कृपा निज करत कृपा निज करत कृपा निज हस्त रे माते श्री वल्लभादीश की श्री वल्लभाधीश की श्री वल्लभाधीश की।